हेलो डियर स्टूडेंट स्वागत है आप सभी का एक्सपी क्लासेस में मेरा नाम है मुकुंद कक्षा बारह गणित के अंतर्गत हम लोग अध्याय आठ की शुरुआत करने वाले हैं अध्याय आठ समाकलनों के अनुप्रयोग चैप्टर नंबर आठ एप्लीकेशन ऑफ इंटीगल्स ठीक है बहुत ही बढ़िया चैप्टर है ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है बहुत ही छोटा चैप्टर है लेकिन येट बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही खास इसमें क्वेश्चन रहते हैं क्योंकि क्वेश्चन का जो लगाने का तरीका है पैटर्न है वो बहुत ज़्यादा समझना जरूरी है तो इसमें हम लोग बढ़िया तरीके से डिटेल में बात करने वाले हैं एक्सरसाइज एट का पार्ट वन देखेंगे जिसमें कॉन्सेप्ट और आपका एग्जाम्पल होगा बहुत ही ध्यानपूर्वक समझिएगा जो भी मैं बात करने वाला हूँ जो भी आपको समझाने वाला हूँ बहुत ही ध्यानपूर्वक समझते जाइएगा साथ ही यदि आप चैनल पर नए हैं और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ वीडियो में अगर मौज मिल जाए तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट्स करना मत भूलिएगा और बेल नोटिफिकेशन को ऑल सेलेक्ट जरूर कर लीजिएगा ताकि जो भी नया वीडियो लेक्चर आपके पास आता है उसका नोटिफिकेशन उसका अपडेट आपको तुरंत के तुरंत मिल जाए इस बात को ध्यान रखिएगा और अगर आप लाइव क्लासेस पढ़ना चाहते हैं लाइव क्लासेस को अटेंड करना चाहते हैं तो आप हमारी एप्लीकेशन को भी डाउनलोड कर सकते हैं जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर प्ले स्टोर में सर्च कीजिए एक्सपी क्लासेस वहाँ से भी आप हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं और वहाँ से भी आप सारी तैयारी कर सकते हैं लाइव क्लासेस के साथ साथ आपको एप्लीकेशन में फ्री पी डी एफ नोट सोल्यूशन और एक डेडिकेटेड व्हाट्सएप ग्रुप भी प्रोवाइड किया जाता है ताकि जो भी आपके डाउट हो आपकी क्यूरी हो तो आप उस व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू अपनी क्यूरी को आप अपने डाउट को पूछ सकते हैं और अपनी दुविधा को मिटा सकते हैं इस वीडियो लेक्चर के अंतर्गत हम लोग एक्साइज एट पॉइंट वन के पार्ट वन को देखने वाले एक्साइज एट पॉइंट वन का पार्ट वन कम्प्लीट देखेंगे जिसमें आपको पता है हम लोग पार्ट वन में एग्जाम्पल और कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं अध्याय आठ की बात करते हैं और अध्याय आठ आठ है आपका समाकलनों के अनुप्रयोग यानी चैप्टर नंबर एट है एप्लीकेशन ऑफ इंटीगल्स ठीक है तो इसकी बात कर लेते हैं और आप याद होगा मैंने निश्चित समाकलन यानी डेफिनेट इंटीगल जब मैंने समझाया था तब मैंने वहाँ पर भी आपको चीज़ समझाई थी कि अगर निश्चित समाकलन की बात करें तो वो किसको डिफाइन करता है एरिया को डिफाइन करता है और इस चैप्टर में भी हम निश्चित समाकलन के सहायता से हम एरिया ज्ञात करेंगे ठीक है तो इंट्रोडक्शन की बात कर लें चैप्टर नंबर आठ का मतलब क्या है तो यहाँ पर हम समाकलनों के अनुप्रयोगों के अंतर्गत हम सरल रेखाओं वृत्तों पर दीर्घ वृतों आदि वक्रों के चापों के बीच झिरे क्षेत्रपल को ज्ञात करेंगे ठीक है तो यहाँ पर एक साथ एक साथ कई वक्र भी हो सकते हैं एक वक्र अकेला व्रत हो सकता है या फिर एक से ज्यादा व्रत वक्र हो, हो सकते हैं है ना दो व्रत हो सकते हैं या फिर एक दीर्घ व्रत और व्रत ले सकते हैं परवलय के साथ व्रत आ सकता है तो काफ़ी कुछ दो परवलय हो सकते हैं और सरल रेखा का भी इस्तेमाल होता है ठीक है तो काफ़ी कुछ चीज़ें इसमें देखने को मिलेंगी और मैंने आपको निश्चित समाकलन समझाया है तो उसको ध्यान रखिएगा ठीक है तो यहाँ पर और मैंने आपको निश्चित समाकलन के अंदर क्या समझाया था कि इंटीग्रेशन ऑफ ए टू बी एफ एक्स डी एक्स ये किसको डिफाइन करता है ये एरिया को डिफाइन करता है ये चीज़ मैंने आपको निश्चित समाकलन के अंतर्गत समझाई थी अगर आपको याद होगा ठीक है तो वहीं पर हम ये सारी चीजें को देखने वाले हैं कि साधारण वक्रों के अंतर्गत क्षेत्रफल यानी एरिया अंडर सिंपल कर्व तो यहाँ पर दो पॉसिबिलिटीज होती हैं या फिर आपको जो वक्र दे रहा है वो एक्स के सापेक्ष दे दे मतलब एक्स के अकॉर्डिंग दे दे एक्स के अंतर्गत दे दे या फिर वो वाई के अंतर्गत दे ठीक दे। है क्योंकि चार निर्देशांक होते हैं अपने पास एक्स अक्ष की निगेटिव दिशा एंड एक्स की, की निगेटिव दिशा और इसके अलावा फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ चार, चार आपके पास चतुर्थांश होते हैं तो यही चारों के बीच में खेल होगा अपना ठीक है तो यहाँ पर देख लेते हैं कि वक्र वाई बराबर एफ एक्स और एक्स अक्ष तथा कोटियों हम जो एक्स के निशांग होते हैं उन्हें कोटि कहते हैं और वाई निशांग को भुज ठीक है और ये सारी चीज मैंने एक बार और निश्चित समाकलन के अंतर्गत आपको समझाई थी तो अगर नहीं देखा है तो उसको देख लेना मैंने वहां पर समझाया हुआ है कि वक्र वाई बराबर तथा कोटियो एक्स कोटियो एक्स बराबर ए एवं y बराबर बी के बीच घिरे हुए छेद का छेद पर अब एक चीज समझो कोटी एक्स बराबर और एवं एक्स बराबर बी का मतलब है कि वाई अक्ष के समांतर रेखा बात को समझना ठीक है एक्स बराबर ए और एक्स बराबर बी का मतलब क्या होता है कि वाई के समांतर एक सरल रेखा सीधा सीधा ठीक है थीके? तो यहाँ पर हम ये चित्र देख सकते हैं ये x अक्ष और यहाँ पर आप ये y अक्ष देख रहे हैं और ये ग्राफ ले लिया हमने जो y बराबर एफ एक्स कह रहा है तो इसके अंतर्गत जो ये क्षेत्रफल बन रहा है इस क्षेत्रफल की अगर हम बात करें को तो निकालना है तो कैसे कि यहाँ पर ये वाला बिंदु हो गया x बराबर ए ये वाला बिंदु हो गया x बराबर बी ठीक है x बराबर ए ये वाई लाइन सीधी आप देख पा रहे पाएंगे x बराबर ए के लिए और x बराबर बी के लिए ये वाली एक सरल रेखा कह दी मैंने और मैंने और आपको बताया कि x a और x b एक ऐसी सरल रेखा होगी जो y अक्ष के समांतर खींची गई होगी ठीक है और y बराबर एफ एक्स ये देख रहे हैं और x अक्ष ये देख रहे हैं जो आप ये यहाँ पर कहा गया है ठीक है क्या है देखो y बराबर एफ एक्स तो y बराबर एफ एक्स ये हो गया ठीक है और कह रहा x अक्ष तो x अक्ष ये हो ठीक है, फिर कोटी बराबर बी ये सिस्टम हो गया। और एक्स ये सिस्टम हो गया और इनके बीच जो घिरा चेपल आप ये देख रहे हैं ये इसको आपको निकालना तो एरिया ऑफ पी क्यू आर एस पी क्यू आर एस का जो हम एरिया निकाल के दिखाएंगे वो क्या हो सकता हो, हो सकता है कि ए बराबर ऑफ ए टू बी वाई डी एक्स ठीक है लिमिट से एक्स बराबर एक्स बराबर बी था तो एक्स बराबर ए और एक्स बराबर बी के लिए लिमिट ले, ले लेंगे ए से बी वाई डी एक्स और वाई क्या है वाई है आपका एफ एक्स तो ए बराबर हमने कह दिया कि इंटीग्रेशन ऑफ ए टू बी एफ एक्स डी एक्स सिंपल ठीक है देन हम अगर जो वक्र बन रहा है वो वाई अक्ष के अकॉर्डिंग बन रहा है अगर x बराबर जी वाई एक फलन है वक्र x बराबर जी वाई वाई अक्ष तथा भुजों y बराबर सी एवं y बराबर डी के बीच घिरे हुए क्षेत्र का क्षेत्र तो वही चीज़ जो ऊपर बात की यहाँ पर भी वही चीज़ बात कर रहे हैं कि ये देख रहे हैं x अक्ष हो गया ये हो गया भाई वाई अक्ष देख रहे हैं और एक्स बराबर जी वाई जो है वो वाई के अकॉर्डिंग हमने एक वक्र ले लिया और यहाँ पर आपको कह रहा है कि वाई बराबर सी एवं वाई बराबर डी तो इनके बीच के जो घिरा क्षेत्रफल देख पा रहे हैं उसको निकालने के लिए आपसे कहा जा रहा है ठीक है तो ये क्षेत्रफल निकालने के लिए कह, कह रहा सिंपल ठीक है ये अब जरा समझ लो एक बार और कि यहाँ पर वो कह रहा है कि वक्र एक्स बराबर तो वक्र एक्स बराबर ये हो गया ठीक है फिर वो कह रहा है वाई अक्ष तो वाई एक्स ये, ये वाला वा सिस्टम हो गया फिर कह रहा है कि भुजों वाई बराबर सी एवं वाई बराबर डी देखो जैसे एक्स ए, एक्स बी, एक्स ए और एक्स बी मैंने आपको क्या बताया कि y अक्ष के समांतर एक सरल रेखा इसी प्रकार वाई बराबर सी एवं वाई बराबर डी क्या होगा एक्स अक्ष के समांतर सरल रेखा याद रखिएगा कि वाई एक्स बराबर ए एक्स बराबर बी एक्स बराबर ए एक्स बराबर बी ये लाइन कैसी हो रही थी वाई अक्ष के समांतर सरल रेखा ठीक है और y बराबर सी एवं y बराबर डी क्या होगा x x के समांतर सर देखा तो y बराबर सी ये ले ली y बराबर डी ये लाइन ले ली और इसके बीच में जो घिरा हुआ क्षेत्रफल आप ये देख रहे हैं निकालने के लिए कह रहा है तो सिंपली हमने कह दिया कि एरिया ऑफ ABCD क्या बन जाएगा कि a बराबर इंटीग्रेशन ऑफ c से d एक्स से डी वाई ठीक है y बराबर सी एंड y बराबर डी था तो वाई बराबर एंड वाई बराबर के लिए लिमिट ले, ले लेंगे इंटीग्रेशन ऑफ सी से डी एक्स डी वाई और एक्स क्या है डी वाई है फंक्शन तो ए बराबर हम कह रहे हैं इंटीग्रेशन ऑफ सी से डी ठीक है समाकलन सी से डी जी वाई डी वाई इतना कह रहे हैं और यदि वक्र या फिर वक्र का कोई भाग ऋणात्मक निर्देशांक की दिशा में है तो क्षेत्रफल को मापांक में लेकर हल करते हैं अब इसका मतलब ये है कि अगर मान लो जो आपका वक्र है वो यहां पर वाई एक्स दिशा में की दिशा 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 में 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 बन बन जाए जाए या फिर वो नीचे की बन जाए एक की तरफ तो ले वैल्यू निकालेंगे किसकी वैल्यू निकालेंगे बात में आई होगी मापांक के लेके हल करेंगे क्योंकि क्षेत्रफल का जो संख्यात्मक मान होता है वो निगेटिव में नहीं आता है है ना क्षेत्रफल आप ऋणात्मक नहीं दिखाएंगे तो जब क्षेत्रफल ऋणात्मक नहीं दिखाना है तो हमें अगर वो चीज अगर वो ऋणात्मक निर्देशांक के अंतर्गत आती है एक्स की निगेटिव दिशा या वाई एक्स की निगेटिव दिशा में हो रहा है वो वक्र तो हम उसके लिए फिर मॉड लेकर हल करेंगे ठीक है आगे बात करते हैं और उदाहरण नंबर एक देखिए उदाहरण नंबर एक क्या कह रहा है आपको कि व्रत एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए ठीक है तो जरा समझने की कोशिश करो यहाँ पर हमको क्या क्या चाहिए क्या क्या, क्या चाहिए सबसे पहली बात स्क्स वाई स्क्वायर यहां पर केंद्र क्या है समझना बात को कि X2 +Y2 +A2 केंद्र क्या कहलाएगा मुझे बताइए भाई केंद्र कहलाएगा जीरो जीरो बिल्कुल और त्रिज्या क्या कहलाएगी आप यहां समझ पा रहे हैं कि त्रिज्या हो जाएगी ठीक है तो इसका आपको क्षेत्रफल निकालना है व्रत का ठीक है तो इस तरीके से ले लेंगे और इस तरीके से निर्देशांक डाल लेंगे अब जरा बात को समझिएगा केंद्र तो हो गया मूल बिंदु ये हो जाएगा मूल बिंदु जीरो जीरो और त्रिज्या आपने ले ली यहाँ से परिधि तक की दूरी कितनी ए ठीक है ये एक्स बराबर है तो इस वाले मूल बिंदु पर एक्स की वैल्यू कितनी होगी और इस जगह पर एक्स की वैल्यू कितनी होगी यहाँ पर सबसे ज्यादा अगर आपको एरिया निकालना है तो एरिया निकालने के लिए हम लिमिट देखते हैं जैसे आपने एग्जाम उसमें देखा कॉन्सेप्ट में ठीक है लिमिट देखते हैं दूसरी बात इस पूरे आपको इस पूरे व्रत का क्षेत्रफल निकालना है ना तो इस पूरे व्रत का क्षेत्रफल ना निकालकर अगर हम सिर्फ एक हिस्से का क्षेत्रफल निकालें मतलब अगर हम सिर्फ इस हिस्से का क्षेत्रफल निकालें तो ये हिस्सा, हिस्सा, हिस्सा।, हिस्सा कौन सा हिस्सा है चौथाई हिस्सा ठीक है ना ये हिस्सा कौन सा हिस्सा है चौथा हिस्सा तो अगर हम इस चौथा हिस्से में चार का गुणा कर दें इस चौथाई हिस्से में चार का यदि आप गुणा कर देते हो तो पूरे व्रत का क्षेत्रफल निकल आएगा निकल आएगा बिल्कुल निकल आएगा ठीक है तो यहीं पर वो वाला जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया था कि वही कॉन्सेप्ट आ जाता है कि फिर ये वाला हिस्सा आप देख लेंगे इतना हिस्सा ये इतना हिस्सा ले लेते हैं इतना हिस्सा ये हिस्सा और इस हिस्से का क्षेत्रफल निकालने के बाद उसमें हम चार का गुणा कर देंगे तो पूरे व्रत का क्षेत्रफल जो पूरे व्रत का क्षेत्रफल है वो आ जाएगा समझ गए होंगे बात अब उसके लिए अपन को क्या चाहिए उसके लिए अपन को चाहिए कि पहले तो आप लिमिट की बात कर लेंगे तो यहां पर इस जगह पर x की वैल्यू कितनी है यहां पर x बराबर जीरो है और इस जगह पर x की वैल्यू कितनी है इस जगह पर x का मान a है क्योंकि त्रिज्या a थी है ना तो केंद्र से पति तक की दूरी a हो जाएगी फिर क्या होता था वाई एफ एक्स लेते थे क्या लेते थे वाई बराबर एफ एक्स यही लेते थे ना है ना वाई बराबर एफ एक्स लेते थे तो आपको y की वैल्यू चाहिए तो यहां से हम y की वैल्यू अगर निकाल के देखें तो यहां से हम y की वैल्यू कितनी निकाल y बराबर आएगा अंडर रूड ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इतना निकल के आएगा कि नहीं निकल के आएगा तो बस यहां पर आपको y का मान मिल गया और याद होगा मैंने आपको बताया था कि कैसे निकालना है एरिया इंटीग्रेशन ऑफ लिमिट कहा जीरो से ए वाई इंटू डी एक्स यही फॉर्मूले में लिखवाया था ना स्टार्टिंग में जब मैंने कॉन्सेप्ट बताया आपको y इंटू डी एक्स और y की वैल्यू कितनी रखनी है जीरो से a अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर एंड डी एक्स और इसका आपने फॉर्मूला पढ़ रखा है है ना तो इसका हम फॉर्मूला लगा देंगे और यहां से सीधे जीरो से ए कर देंगे और याद रखना कि हम एक चौथाई भाग का वो निकाल रहे हैं क्षेत्रफल तो इसमें हम चार का गुणा कर देंगे तो पूरे भाग का क्षेत्रफल निकल आएगा पूरे भाग का क्षेत्रफल ठीक है दूसरी बात आपको पता है व्रत का क्षेत्रफल होता कितना है भाई आपने पढ़ रखा ना व्रत का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर कितना पढ़ रखा आपने पाई आर स्क्वायर तो त्रिज्या यहाँ पर ए दे रखी है तो जब त्रिज्या ए दे रखी है तो आंसर इसका आना कितना चाहिए जब हम इसका हल करेंगे तो इसका आंसर आना चाहिए पाई ए स्क्वायर ये बात आप समझ गए होंगे इतना आंसर आना चाहिए तो इसको हम हल कर लेंगे और इतना आंसर निकाल के दिखा देंगे ये थोड़ा सा आपको आइडिया होना चाहिए कि भाई व्रत का क्षेत्रफल का फॉर्मूला तो मुझे पता है ना त्रिज्या स्क्वायर होता है है और त्रिज्या हमारे पास ए है, कैसे से है? से इसकी मदद से ही तो है है ठीक तो इन सब चीजों की मदद से निकाल लेंगे और ये फार्मूला आपको पता है नहीं पता है तो याद रखेगा फार्मूला ठीक तो व्रत आपको दिया है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर अब इसमें आपको देख रहा है कि केंद्र हो जाएगा जीरो जीरो त्रिज्या हो जाएगी ए ठीक है तो यहां पर सबसे पहले हम वाई की वैल्यू निकाल लेते हैं क्योंकि एक्स के अगर अकॉर्डिंग निकालना है तो फॉर्मूला होता है आपका कि इंटीग्रेशन ए टू बी एफ एक्स इंटू डी एक्स और ये एफ़ एक्स क्या है और कुछ नहीं y है वाई है ठीक है तो हम वाई की वैल्यू निकाल लेते हैं और वाई बराबर अगर हम बात करें यहाँ से तो कितना हो जाएगा कि वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर सो वाई बराबर ले लेंगे प्लस माइनस अंडर रूड ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर लेकिन आपको जो एरिया निकालना है वो कित कितना एरिया निकालना है वो यहाँ पर एरिया निकालना है ठीक है प्रथम चतुर्थांश के लिए और प्रथम चतुर्थांश के लिए फिर y की वैल्यू कितनी रहेगी भाई प्रथम चतुर्थांश के लिए y की वैल्यू पॉजिटिव रहेगी तो y की वैल्यू जब पॉजिटिव रहनी है तो यहाँ पर आप ले रहे प्रथम चतुर्थांश के लिए प्रथम चतुर्थांश के लिए क्या ले लेंगे वाई बराबर प्रथम चतुर्थांश के लिए वाई बराबर हो गया अंडरवूड ए स्क्वायर माइनस स्क्वायर सिंपल ठीक है simple, और लिमिट क्या देखो कंफ्यूज नहीं होना है लिमिट में और लिमिट बहुत अच्छी तरीके से क्लियर होनी चाहिए कि यहाँ पर आप देख रहे हैं ये मूल बिंदु तो एक्स परावर जीरो ले लिया और यहाँ पर आप भाई त्रिज्या हो जाएगी एक्स परावर ए यहाँ तक की दूरी है ना तो लिमिट में कन्फ्यूजन नहीं होना है कि भाई लिमिट में आप कन्फ्यूज हो जाओ बिल्कुल नहीं तो प्रथम चतुर्थांश के लिए बाई बराबर इतना ले लिया देन हम निकाल रहे हैं एरिया एक हिस्से का एरिया निकाल लेते हैं तो इसको हम नाम अगर देना चाहो तो नाम दे लेते हैं तो इसको नाम दे लो ए या फिर ओ ठीक है क्योंकि मूल बिंदु था तो इसको नाम दे दिया ओ ए बी तो ओ ए बी ओ का क्षेत्रफल ठीक है तो क्षेत्र यहाँ पर ले रहे हैं क्षेत्र ओ ए बी ओ ए बी ओ का क्षेत्रफल इसका क्षेत्रफल निकालते हैं है ना और फिर पूरे का निकालने के लिए चार का हम गुणा कर देंगे तो सिंपली क्षेत्र ओ ए बी ओ का क्षेत्रफल निकालना है तो कैसे हो जाएगा या फिर आप सीधे ले लो कि पूरे व्रत का क्षेत्रफल ले लो चारों गुणा डायरेक्ट कर लेते हैं ना क्या दिक्कत है कोई दिक्कत नहीं है पूरा ले लेते हैं इकट्ठा व्रत का क्षेत्रफल ठीक है तो व्रत का क्षेत्रफल क्या कह रहा है चार गुणे क्षेत्र चार गुणे क्षेत्र ओ ए बी ओ का क्षेत्रफल यही कहलाएगा ठीक है इस तरीके से और क्षेत्र ओ ए ओ ए बी ओ में मतलब ये जो आप देख पा रहे हैं ये एरिया इस एरिया में लिमिट हो गई अपने पास एक्स बराबर जीरो से एक्स बराबर ए यहाँ हो रहा है चार गुणे लिमिट जाएगी कहाँ से जीरो से ए तक ठीक है और y इंटू डी एक्स और y की वैल्यू आपने ये निकाली है y इंटू डी एक्स तो ये y की वैल्यू निकाल ली है ठीक है न सो so, फोर और जीरो से ए वाई की वैल्यू रखनी है अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स और अंडर रूड ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इसके लिए फार्मूला आपको याद रखना ध्यान रखना ठीक है तो कितना होता है फॉर्मूला अगर मैं बात करूँ तो ये बन जाता है एक्स अपॉन टू अंडर रूड ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर चूंकि ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है तो साइन नोट्स में बनता है प्लस ए स्क्वायर अपॉन टू साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए और लिमिट जाएगी जीरो से ए तक की ठीक है फॉर्मूला अच्छी तरीके से याद रखिएगा एंड ये फोर बाहर और पहले अपर लिमिट रखते हैं फिर लोअर लिमिट रखते हैं तो ये कितना हो जाएगा अगर अपर लिमिट रखी तो ये हो रहा है भाई ए अपॉन टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस और यहाँ पे स्मॉल ब्रैकेट ले लेते हैं प्लस ये हो रहा है ए स्क्वायर अपॉन टू साइन इनवर्स एक्स का मान ए अपॉन ए ये हो गया फिर माइनस लगा के लोअर लिमिट रखना है सो जीरो माइनस जीरो प्लस का ए स्क्वायर अपॉन टू साइन इनवर्स जीरो अपॉन ए इतना आ जाएगा ठीक है जरा बात को समझिए

डायरेक्ट आप इन तीनों ही जगहों पर जीरो रख दीजिए या फिर मैं अगर थोड़ा विस्तार से बताता हूं तो आप ऐसे करेंगे कि एक मैं चाहूंगा कि आप डायरेक्ट जीरो रख दें बाकी का यहां पर आपको पता ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है तो कितना हो जाएगा जीरो बचेगा तो गुणे जीरो प्लस ए स्क्वायर अपॉन टू साइन इनवर्स ए अपॉन ए हो जाएगा वन माइनस के अंदर गुणा कर लो अब यहाँ देखो जीरो का गुणा हो रहा ना जीरो का गुणा हो रहा है तो भाई जीरो ही रहेगा माइनस ए स्क्वायर अपॉन टू एंड साइन इनवर्स जीरो इतना सिस्टम हो जाएगा ठीक है सो ये फोर एंड ये बचेगा जीरो प्लस ए स्क्वायर अपॉन टू साइन इनवर्स साइन में वन वैल्यू होती है पाई वाई टू तो साइन हो जाएगा पाई वाई टू माइनस जीरो हटा दो माइनस का ए स्क्वायर अपॉन टू एंड साइन इनवर्स जीरो होता है साइन जीरो ठीक है साइन जीरो ठीक है और आपको क्या करना है आपको तीनों ही जगह पर डायरेक्ट जीरो रख देना है ठीक है इतना लंबा नहीं कि इतना मैं सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ बाकी आप समझ गए होंगे जहाँ तक मुझे लगता है इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए जीरो प्लस कर रहे हैं तो हटा सकते हैं जीरो को और ये हो जाएगा ए स्क्वायर अपॉन टू एंड साइन इनवर्स साइन कटा तो ये हो जाएगा पाई वाई टू माइनस का ए स्क्वायर अपॉन टू साइन इन साइन जीरो तो बचेगा जीरो तो यहाँ पर ले लिया जीरो और ये हो जाएगा फोर एंड ए स्क्वायर इन का पाई अपॉन फोर माइनस का जीरो चार का कर गुणा करेंगे तो ये हो रहा है आपका फोर मल्टीप्लाई पाई ए स्क्वायर अपॉन फोर तो ये चार से चार कट गया तो यहाँ से आपने कह दिया कि अतः अभीष्ट व्रत का क्षेत्रफल अभीष्ट व्रत का क्षेत्रफल कितना आ जाएगा चार से चार कटा तो पाई ए स्क्वायर इस तरीके से भाई सॉल्यूशन करना है समाकलन के अनुप्रयोग के अंतर्गत फॉर्मूले की मदद से ठीक है तो ये तो हो गई बात x के अकॉर्डिंग अगर मैं इसी में मतलब हमने क्या किया था हमने x अक्ष से घिरा क्षेत्रफल निकाला था ये है ना x अक्ष देखिए ये x अक्ष से घिरा क्षेत्रफल ले रहे थे और ये ये आपका व्रत जो वक्र था ये उतना एरिया ले लिया था और x बराबर जीरो ये लाइन गई थी x बराबर जीरो की ये लाइन हो गई थी और x बराबर तो x बराबर ये यही रहेगा ठीक है तो इस तरीके से एरिया निकाल लिया था देन अगर मैं वही बात करता हूँ कि अगर आप वायक्ष के अकॉर्डिंग घिरा एरिया लेते तब भी कोई दिक्कत नहीं जरा समझ लीजिए अगर देखो आगे इस्तेमाल करना पड़ेगा कहीं ना कहीं आपको फिर y अक्ष के घिरा हुआ लेना पड़ेगा तो अगर y अक्ष से लेना है तो फिर हम यहाँ की बात करेंगे ये ना y अक्ष बिल्कुल तो इससे घिरे एरिया के लिए आपको इस पट्टी पर जो आप लाल लाल ये पट्टी देख पा रहे हैं ना अभी यहाँ पर इस पट्टी पर लिमिट देखनी पड़ेगी अब इस पट्टी पर लिमिट देखना तो यहाँ पर मूल बिंदु पर वाई का मान कितना होगा जीरो और यहाँ पर तो यहाँ से लेके यहाँ तक तो भाई त्रिज्या होगा ना ये यहाँ से लेके यहाँ तक कितना क्या हो गया त्रिज्या हो गई तो इस जगह पर वाई का मान कितना हो गया त्रिज्या तो ए थी तो यहाँ पर भी वाई का मान ए रहेगा तो ये तो हो गई लिमिट डिसाइड फिर आपको ये इस हिस्से का क्षेत्रफल निकाल के चार का गुणा करना है इस हिस्से का क्षेत्रफल निकाल के गुणा चार करना है अब वाई के अकॉर्डिंग ले रहे हैं तो वाई के लिए फॉर्मूला याद कर लो वाई के लिए फॉर्मूला क्या बनाया था मैंने कॉन्सेप्ट बताया था आपको कि सी से डी एंड सी से डी एक्स इन डी वाई एरिया बताया था कि नहीं कॉन्सेप्ट याद रखना कॉन्सेप्ट में मैंने क्लियर किया था कि अगर एक्स की तरफ है अगर एक्स अक्ष से है तो जो एरिया लेते हैं वो क्या ले रहे थे ए से बी वाई इंटू डी एक्स और अगर वाई अक्ष से घिरा क्षेत्रफल लेना है तो क्या ले रहे थे सी से डी एक्स इंटू डी वाई ले रहे थे तो यहाँ पर बस एक्स ले लिया एक्स इंटू डी वाई अब क्या करेंगे एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे तो आपके पास क्या था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर और यहाँ से चूंकि प्रथम चतुर्थांश तो में है तो पॉजिटिव पॉजिटिवली ना तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी अंडर रूड ऑफ ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अब सिंपली जो कुछ भी किया था वही चीज वहां पर कर देंगे क्योंकि सेम चीज़ थी पहले वाले अगर मेथड की मैं बात करूँ तो वहां पर आपने रखा था एक्स बराबर अंडर रूट ऊपर जो अभी मेथड हुआ है एक्स अक्ष से घिरे की बात कर रहे हैं तो वहां पर आपने रखा था वाई बराबर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अगर हम वाई अक्ष से घिरा देखते तो हम रखते हैं एक्स बराबर अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर तो क्या अंतर है कुछ अंतर नहीं है पर लेकिन समझ होनी चाहिए आपको समझना पड़ेगा वो चीज़ क्योंकि हो सकता है आगे वाई अक्ष से घिरा कोई अगर मेटर दे दें वाई अक्ष के अकॉर्डिंग ही आपको दे दें क्योंकि हो सकता है वाई अक्ष से अगर चीज निकालें तो वो सिंपल हो जाए ठीक है ऐसा नहीं है कि आपको वाई अक्ष से ही निकालना पड़ेगा आप एक्स अक्ष से भी निकाल सकते हैं और 99% केस ये होता है कि हम एक्स अक्ष के अकॉर्डिंग ही लेकर चीज़ों को हल कर देते हैं ठीक है 99 परसेंट केस में हम एक्स अक्ष को पकड़ते हैं और हल कर देते हैं थी चीज़ों को हाँ मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूं कि वाई अक्ष के अकॉर्डिंग हम इस तरीके से करते हैं और कॉन्सेप्ट तो आपको ध्यान रखना है कि अगर हम एक्स अक्ष के लिए ले रहे हैं एक्स अक्ष से ले रहे हैं तो क्या ले रहे हैं कि वाई डी एक्स लेना है और वाई अक्ष के लिए ले रहे हैं तो हम एक्स डी वाई लेते हैं ठीक है ना इसके अलावा मैं सेकेंड मैथड को भी पूरा इसी तरीके से एक बार क्लियर कर देता हूँ तो सेकेंड मेथड को देख लेते हैं और सेकेंड मेथड के अंतर्गत मैं आपको क्या बताने वाला हूँ कि अगर वाई अक्ष के ले ठीक है तो ये आप देख पा रहे हैं ये व्रत है इस पूरे व्रत का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें क्या जरूरी है कि हम एक हिस्से का एक चौथा हिस्से का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं कहने का मतलब है कि अगर हम इतने हिस्से का क्षेत्रफल निकाल के दिखा रहे हैं और इस हिस्से में चार का गुणा कर दें इस हिस्से में चार का गुणा कर देते हैं तो पूरे व्रत का क्षेत्रफल आ जाएगा इतनी बात के लिए दूसरा हम यहाँ पर इसको पकड़ रहे हैं किस हिसाब से पकड़ना है देखिए यहाँ से चलेंगे और ये पूरा आपका ये कवर करते हुए चलेंगे और ये लेंगे ये आपका एरिया और इतना इतना ये एरिया समझ गए होंगे बात इस तरीके से पूरे व्रत को आपको एरिया को लेना है ठीक है तो यहाँ से हम कह देंगे कि व्रत का क्षेत्रफल व्रत का क्षेत्रफल अब व्रत का क्षेत्रफल क्या होगा कि चार गुणे क्षेत्र क्षेत्र कौन सा पकड़ रहे हैं देखो मैंने क्या बोला आपको कि यहां से पकड़ेंगे और इस तरीके से क्योंकि वाई एक्स के अकॉर्डिंग चलना है ना तो वाई एक्स के अकॉर्डिंग चलेंगे तो क्षेत्र कौन सा है जी ओ जीरो नहीं ओ बी ए का क्षेत्रफल ठीक है इसका क्षेत्रफल बात गए होंगे ओ से चले ये बी की तरफ और ये यहां से ए की तरफ फिर वापस ओ की तरफ आ गए यही बात हो रही है और लिमिट भी आपको क्लियर है कि केंद्र मूल बिंदु पर वाई का मान यहाँ जीरो होगा और त्रिज्या चूंकि ए थी तो यहाँ पर वाई का मान ए हो जाएगा ठीक है लिमिट कहा से कहा तक जीरो से ए के लिए लिमिट जाएगी बहुत ही सिंपल चीज है तो इस तरीके से देख लेंगे समझ गए होंगे आप चार और इंटीग्रेशन आएगा लिमिट जीरो से ए की तरफ और ये यहां पर आपको एक्स की वैल्यू रखनी है ठीक है ना क्या रखते हैं अगर फॉर्मूले की मैं बात करूँ तो एक्स डी वाई रखते हैं तो एक्स का मान रखना पड़ेगा तो एक्स का मान कितना आना है कि अगर मैं आपको याद दिलाऊं तो ये था आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर तो एक्स की वैल्यू आएगी अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इतना आना है ठीक है तो वाई अक्ष के अकॉर्डिंग वाई अक्ष के अनुसार आपको फॉर्मूले में रखना है एक्स इन डी वाई और यहाँ पर हम एक्स की वैल्यू रखेंगे फोर इंटीग्रेशन ऑफ जीरो से ए अंडर रूड ऑफ ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड डी वाई इसका फॉर्मूला आपको अच्छे से याद रखना है तो ये हो रहा था फोर एंड ये हो रहा था आपका एक्स वाई अपॉन टू ठीक है क्योंकि वाई के लिए ना सो वाई अपॉन टू अंडर रूड ऑफ ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन टू साइन इनवर्स वाई साइन इनवर्स वाई अपॉन ए और लिमिट जाएगी जीरो से ए अब मैं थोड़ा डायरेक्ट हल करूंगा इस बात को आपको पता है कि अपर लिमिट रखेंगे सबसे पहले सो so, यहाँ पर आएगा भाई ए अपॉन टू है ना अपर लिमिट रखेंगे तो ये कितना आ रहा है ए अपॉन टू अंडरवुड ऑफ ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाई की जगह ये रख रहे हैं प्लस ए स्क्वायर अपॉन टू एंड साइन इनवर्स ए अपॉन ए ठीक है ना देन माइनस लोअर लिमिट रखेंगे तो जीरो अपॉन टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस जीरो स्क्वायर एंड प्लस में ए स्क्वायर अपॉन टू एंड साइन इन वर्स जीरो अपॉन ए इतना मिलेगा आपको ठीक है ना हाँ अब फिर वही बात देखो देखो यहां पर ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो रहा तो ये हिस्सा जीरो हो जाएगा बिल्कुल ठीक है फिर यहाँ जीरो देख रहे हैं तो जीरो का गुणा होगा तो ये पूरा जीरो हो जाएगा बिल्कुल यहाँ साइन इनवर्स जीरो हो जाएगा तो ये भी हिस्सा जीरो हो जाएगा तो ये पहला तीसरा और चौथा ये तीन ये जो तीन हिस्से देख रहे हैं ये जीरो तो होने ही होने और ऊपर भी मैंने आपको ये चीज समझाई थी तो यहां डायरेक्ट आप जीरो रख सकते हैं ठीक है तो यहां से कितना मिलेगा फोर ये हो जाएगा जीरो प्लस यहाँ हो रहा है ए स्क्वायर अपॉन टू और साइन इनवर्स वन है तो यहां ले रहे हैं साइन इनवर्स वन के लिए लेंगे साइन पाई वाई टू एंड माइनस जीरो माइनस जीरो कर रहे हैं तो यहाँ से साइन वर्ष से साइन कट जाएगा तो ये हो रहा है फोर एंड ये आ जाएगा ए स्क्वायर अपॉन टू मल्टीप्लाई पाई वाई टू एंड सिंपली दो दूनी चार से कट जाएगा दो दूनी चार होता है चार से चार कट दिया तो यहाँ पर आप कह देंगे कि अभीष्ट व्रत का क्षेत्रफल अभीष्ट व्रत का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा भाई पाई ए स्क्वायर वर्ग इकाई एक चीज और मैं कहूंगा कि ये चीज़ जरूर लिखी करिए जब भी क्षेत्रफल की बात होगी तो आपको लिखना पड़ेगा वर्ग इकाई पाई ए स्क्वायर वर्ग इकाई यहाँ पर भी आप बताएंगे वर्ग इकाई क्योंकि हो सकता है कोई आपको टीचर ऐसा मिल गया जो आधा अंक इस वर्ग इकाई में ही काट सकता है यूनिट नहीं लिखी आपने ध्यान रखिएगा क्षेत्रफल हमेशा यूनिट में प्रदर्शित की जाती है तो हमेशा वर्ग इकाई लिख दीजिएगी हाँ अगर उत्तर में दिया है तो भी नहीं दिया तो भी लेकिन मैं आपसे कहूंगा जैसे कि यहाँ पर उदाहरण नंबर एक एन में आप देख रहे हैं कि पाई ए स्क्वायर मात्र दिया वर्ग इकाई नहीं लिखा लेकिन मैं आपसे कहूंगा कि आप वर्ग इकाई लिख के आएँ ठीक है क्षेत्रफल का जो यूनिट होती है मात्र माप माप है होती, मात्र होती है वो वर्ग इकाई होती है सेंटीमीटर स्क्वायर मीटर स्क्वायर ऐसी नापते ना तो मेरा कहने का के मतलब वर्गिकाई आप लिख के आइए इस एग्जाम्पल में आप देख पा रहे हैं उत्तर में नहीं लिखा है लेकिन फिर भी लिख के आइए ये बात आपको क्लियर हो गई होगी इस तरीके से लेना है और अधिकतर केस में जो होता है वो हम एक्स अक्ष के अकॉर्डिंग ही लेते हैं और आगे भी एक्स अक्ष के अकॉर्डिंग ही सवाल लगाते जाएंगे दो दो मेथड में नहीं लगा बताता जाऊँगा लेकिन एक्स अक्ष के अकॉर्डिंग ही आपका 99 परसेंट केस में सवाल लग जाते हैं हाँ एक आध सवाल ऐसा होगा जहाँ पर आपको वाई अक्ष के अकॉर्डिंग लेना पड़ेगा और लेकिन अगर आपको वाई एक्स के अकॉर्डिंग लेना पड़ेगा तो फिर मैं उसको एक्स एक्स के अकॉर्डिंग भी बताने की कोशिश करूंगा समझ ना क्योंकि जब वाई एक्स के अकॉर्डिंग लग रहा है तो एक्स अक्ष के अकॉर्डिंग भी लगेगा सवाल लेकिन हो सकता है कि एक्स अक्ष के अकॉर्डिंग वो थोड़ा सा टिपिकल हो जाए एक्स अक्ष वाई एक्स के अकॉर्डिंग आप लगाएंगे तो हो सकता है सरल लग जाए और एक्स शक्स में थोड़ा सा कठिन लग जाए ऐसा कभी कभी हो जाता है तो बात को समझिएगा और चीजों को करते हुए चलिएगा ठीक है आगे बात करते हैं और उदाहरण नंबर दो देखते हैं तो उदाहरण नंबर दो में आपको कह रहा है कि दीर्घ व्रत एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बराबर एक, एक से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए ठीक है तो अगर मैं आपको इसको समझाऊं तो कैसे निकालना है देखिए दीर्घ व्रत कह रहा है और इस तरीके से आपने एक दीर्घ व्रत ले लिया थोड़ा सा चित्र अभी मामली तौर पे मैं समझाने की कोशिश आपको करता हूँ ठीक है बस ज्यादा कुछ नहीं ठीक है तो इस तरीके से ले लिया अभी देखो यहां पर वो कह रहा है कि एक्स स्क्वायर अपॉइंट ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉइंट बी स्क्वायर बराबर ए बराबर एक तो आपको पता ये हो गया भाई मूल बिंदु जीरो जीरो ठीक है और अगर हम एक्स अक्ष के अकॉर्डिंग जाए तो आपको पता यहां से यहां तक की जो दूरी होगी वो कितनी होगी ए होगी यानी यहां पर निर्देशांक होंगे ए जीरो ठीक है तो अब इस हिसाब से आपकी जो लिमिट दो एक्स के अकॉर्डिंग जा रहे हैं तो एक्स के अकॉर्डिंग क्या करेंगे कि एक हिस्सा जो ये एक हिस्सा देख रहे हैं ना इस इस एक हिस्से का हम क्षेत्रफल निकाल लेंगे इस एक हिस्से का छेदफल निकाल लेंगे और इसमें कितने का गुणा कर देंगे चूंकि ये एक चौथा हिस्सा है तो पूरे दीर्घ का निकालने के लिए चार का गुणा कर देंगे सिंपल बात ठीक है अब क्या करते हैं एक्स अक्ष के अकॉर्डिंग लेना है तो लिमिट भी एक्स अक्ष पर ही होंगी लिमिट जो होंगी वो कहाँ पर देखनी है एक्स अक्ष पर तो यहाँ से चले मूल बिंदु ये तो यहाँ पर लेना है एक्स बराबर जीरो और यहाँ तक आए तो यहाँ पर क्या हो रहा है एक्स बराबर ए सिंपल ठीक है और एक्स अक्ष के अंतर्गत जो फॉर्मूला बनाते हैं वो कैसे बनाते हैं कि लिमिट हो आपके जीरो से A, और y dx, अब y की से आएगी? Y की अगर मैं आपको बताऊँ तो वाई की वैल्यू यहां से आएगी बी अपॉन ए अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ठीक है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर यही आएगा मान ठीक है तो ये हो जाएगी भाई आ, और वाई की वैल्यू चूंकि प्लस माइनस में आता है प्रथम चौथान से तो वहां आप पर आपसे पॉजिटिव लेंगे तो ये उठा के यहां पर रख देंगे और इसका फॉर्मूला आपको पता है भाई समझ में आई होगी अब ठीक है ना बहुत और लिमिट भी कुछ ज्यादा देखो एक्स अक्ष के अंतर्गत लेना है और मैंने आपको क्या बताया कि x अक्ष के लिए जो फॉर्मूला बनाएंगे वो a से b वाई इंटू डी एक्स होगा और अगर हम वाई अक्ष के अंतर्गत लेंगे तो क्या बनाएंगे सी से डी एक्स इंटू डी वाई ये बोला है कि नहीं मैं फिर से बता रहा हूँ ये सारी चीज़ें तो वाई अगर हम एक्स अक्ष के अंतर्गत ले रहे हैं किसके अंतर्गत ले रहे हैं एक्स अक्ष के अंतर्गत ले रहे हैं तो हमें लिमिट जो देखनी होगी वो एक्स अक्ष पर देखनी होगी समझ गए बात ठीक है तो अगर हम लिमिट एक्स एक्स पर देखेंगे तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर एक्स का मान कितना है शुरुआत यहाँ से होती है तो यहाँ पर एक्स का मान है एक्स बराबर जीरो और यहाँ पर अंदर देख रहे हैं तो यहाँ पर एक्स का मान कितना है यहाँ पर एक्स का मान ए है तो लिमिट चली जाएगी जीरो से ए वाई इंटू डी एक्स फॉर्मूले के आधार पर और वाई की वैल्यू हम निकालेंगे इस दीर्व के समीकरण की मदद मतलब से तो यहाँ पर हम वाई का मान निकाल के और यहाँ पर पुट करके और इसका आपको फॉर्मूला पता और निकाल लेंगे समझ गए बात वहीं पर अगर मैं ये कह देता कि वाई अक्ष के अकॉर्डिंग आप निकाल के दिखाइए किसके अंतर्गत वाई अक्ष के तो फिर आपको ये ये वाली पकड़नी पड़ती है ये वाली पट्टी ये वाई अक्ष के लिए कितनी हो रही है तो यहाँ पर वाई का मान कितना यहाँ पर वाई का मान जीरो है भैया और लघु अक्ष के आधार पर यहाँ पर वाई का मान होता है भैया मेरे वाई बराबर b तो अब लिमिट अगर हम वाई एक्स की बात कर लेते किसकी वाई एक्स की बात कर लेते तो अब लिमिट जो जाती है वो किसके लिए जाती है से के लिए और आपको याद होगा कि वाई एक्स के फॉर्मूला क्या लेंगे कि लिमिट हो जाएगी जीरो से बी, वाई। और का मान निकालेंगे के समीकरण के आधार पर तो वहां से एक्स का मान आएगा ए अपॉन बी अंडर रूड ऑफ ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर तो अगर आपको वाई एक्स के अकॉर्डिंग निकालना है जो कि मैं आपके ऊपर छोड़ूंगा मैं अक्ष के अकॉर्डिंग ही बताऊंगा वाई एक्स के अकॉर्डिंग ज़्यादा फिर लंबा टाइम हो जाएगा तो उसमें ज़्यादा नहीं लेना है लेकिन मैं आपको समझा दे रहा हूँ कि अगर आपको वाई एक्स के अकॉर्डिंग देखना है तो फिर आपको ये पकड़ना होगा कि वाई अक्ष पर लिमिट क्या चल है सबसे पहले तो आपको लिमिट चेक करनी पड़ेगी लिमिट ठीक है तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं यहाँ से शुरुआत हुई तो यहाँ पर वाई मान जीरो यहाँ पर अंत है तो लघु अक्ष के लिए वाई बराबर भी लेते हैं ठीक है ना कक्षा 11 के चैप्टर नंबर 11 में आपको व्रत प्रबलय तीर्थ व्रत और अति परबल ये सब कुछ सिखाया जाता है तो ये सारी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए कि लघु अक्ष दीर्घ अक्ष ठीक है नहीं तो एक बार रिवीजन कर लेना देख लेना थोड़ा बहुत नज़र घुमा के देख लेना किताबों में धूल लग गई होगी कक्षा ग्यारह की किताब में तो थोड़ा सा पलट के देख लेना कि भाई होता क्या है नाभियाँ क्या होती हैं लघु अक्ष क्या होता है दीर्घ अक्ष क्या होता है लंबी की लंबाई क्या होती है और शीर्ष क्या होता है ये सब आपकी जिम्मेदारी है कि आप उस चीज को देख लें क्योंकि ये आपका पुराना कोर्स है आप पढ़ चुके हो तो अगर आपकी दिमाग में थोड़ा सा दीमक लग गया हो और दीमक की जाली लग गए हो दीमक के मकड़ियों के जाले होते हैं तो कहने का मेरा मतलब बस इतना है कि थोड़ा सा रिवाइज कर लेना अपनी तरफ से एफर्ट डाल लेना बात को समझिएगा ठीक है ना तो जैसा आपको पता है ये कह रहा है अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बराबर वन का क्षेत्रफल आपको निकालना है यानी इस पूरे एरिया का आपको क्षेत्रफल निकालना है इस पूरे दीर्घवृत्त का तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि आपको एक पर्टिकुलर इस एक चतुर्थांश का हम क्षेत्रफल निकाल लेंगे इसका ठीक है और इसमें चार का गुणा कर देंगे अब चार का गुणा करने से पूरे क्षेत्रफल का जो पूरे क्षेत्र यानी पूरा दीर्घ है उसका आपका क्षेत्रफल आ जाएगा सिंपली ठीक है अब करेंगे क्या यहाँ पर देखो x अक्ष के अगर अकॉर्डिंग जाए तो आपको पता x अक्ष पर जो बिंदु होंगे वो लिमिट का काम करेंगे तो यहाँ पर सबसे पहली बात करेंगे यहाँ पर एक्स का मान कितना होगा यहाँ पर एक्स का मान जीरो होगा देन यहाँ पर एंड होगा है ना देखिए ये एक्स अक्ष है समझ पाएंगे आप ये एक्स अक्ष है तो इसके अकॉर्डिंग ले रहे हैं और यहाँ पर आपको बिंदु देखना है तो एक्स बराबर ज़ीरो देख लिया और यहाँ पर आपने ले लिया एक्स बराबर ए क्योंकि ये जो होता है वो दीर्घ अक्ष होता है दीर्घ अक्ष की लंबाई टू ए होती है तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी हो जाएगी ए हो जाएगी और यहाँ तक की दूरी हम बी ले, ले लेंगे ठीक है बी कहेंगे क्योंकि लघु अक्ष होता है आपका टू बी और दीर्घ अक्ष होता है टू ए सिंपल इतना क्लियर बात हो गई अब यहां पर आपको देखना है दीर्घ व्रत का क्षेत्रफल उसके लिए एक्स अक्ष के एक्स एक्स के अकॉर्डिंग ले रहे हैं तो इंटीग्रेशन ऑफ लिमिट जाएगी जीरो से ए के लिए वाई इंटू डी एक्स अब वाई इंटू डी एक्स होता है तो वाई की वैल्यू निकाले तो वाई की वैल्यू कैसे निकाल लेंगे वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बराबर वन माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर तो यहाँ से हम कह रहे हैं कि वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बराबर एल आएगा ए स्क्वायर एंड ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और यहाँ पर हम कह रहे हैं कि वाई स्क्वायर बराबर हमने ले लिया बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर एंड ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर सो यहाँ से हमने वाई बराबर कह दिया अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर एंड ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इतना अब चूंकि वर्गमूल लगा है तो वाई बराबर हम लेंगे प्लस माइनस बी अपॉन ए और ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ये रहेगा अंडर रूट के अंदर और आपको मैं बता दूं कि चूंकि हम प्रथम चतुर्थांश की बात कर रहे हैं तो प्रथम चतुर्थांश के लिए प्रथम चतुर्थांश के लिए फर्स्ट में ठीक है फर्स्ट कोऑर्डिनेट की बात करें तो वाई बराबर वहां सारी चीज पॉजिटिव रहेगी तो वाई बराबर जो वाई पॉजिटिव रहेगा प्रथम चतुर्थांश में वाई पॉजिटिव रहेगा तो वाई बराबर बी अपनी अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस स्क्वायर सिंपली तो यहां से हम कह देंगे दीर्घ व्रत का क्षेत्रफल दीर्घ व्रत दीर्घ व्रत का क्षेत्रफल तो दीर्घ व्रत का क्षेत्रफल कैसे लेना है कि फोर मल्टीप्लाई ऑफ कौन सा क्षेत्र हो रहा है ओ ए बी ओ ठीक है ये समझिएगा यहाँ से चले ओ से स्टार्ट किया ओ ए बी ये इतना और ए बी ए का क्षेत्रफल चार गुणे ओ ए बी का क्षेत्रफल ये करना है ना तो ओ ए बी ओ का क्षेत्रफल ऐसे करेंगे अपन ठीक है बात ओके सो ये कितना होगा फोर और इंटू में इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक लिमिट कहाँ से कहाँ तक जीरो से ए लेनी थी ठीक है याद रखिएगा हम कैसे कर रहे हैं कि जीरो से ए लिमिट ले रहे हैं एक्स एक्स पर फिर वाई इंटू डी एक्स और वाई की वैल्यू रखनी है ये सो बराबर हो जाएगा फोर मल्टीप्लाई इंटीग्रेशन जीरो से ए बी अपॉन ए अंडर रूड ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक एक्स स्क्वायर एंड डी एक्स तो बी अपॉन ए को बाहर निकाल लें फोर बी अपॉन ए एंड लिमिट है जीरो से ए अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर एंड डी एक्स अब अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का बाकायदा देखो मैंने इसका डेरिवेशन भी समझाया ऐसा नहीं है कि मैंने समाकलन में आपको डेरिवेशन नहीं समझाया तो मैंने इसका पर्टिकुलर डेरिवेशन भी समझाया और इसको मैंने कई जगह बहुत ज़्यादा इस्तेमाल भी किया है ठीक है किस एक्सरसाइज में इस्तेमाल किया है वो कमेंट्स कर देना कि मैंने ये आपको ये जो फॉर्मूला है ये किस एक्सरसाइज में बताया तो वो आप मुझे कमेंट्स करके बताइएगा ठीक है तो फोर बी अपॉन ए और इसका जो फॉर्मूला हो जाएगा वो हो जाएगा कि एक्स अपॉन टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर चूंकि ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो रहा है तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स के लिए प्लस ए स्क्वायर अपॉन टू एंड साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए और लिमिट जाएगी जीरो से ए के लिए ठीक है अब अपर लिमिट रखना है सो फोर बी अपॉन ए एंड ये आ जाएगा अपर लिमिट के हिसाब से ए अपॉन टू अंडर रूड ऑफ ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन टू एंड साइन इनवर्स ए अपॉन ए माइनस लोअर लिमिट रखेंगे जीरो अपॉन टू अंडर रूड ऑफ ए स्क्वायर माइनस जीरो स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन टू एंड साइन इनवर्स जीरो अपॉन ए इतना हो जाएगा अब आपको पता है कि क्या क्या सिस्टम जीरो होगा देखो ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है तो ये घटेगा जीरो बनाएगा तो ये ये हिस्सा जीरो होगा बिल्कुल यहाँ जीरो देख रहे हो तो ये हिस्सा भी जीरो होगा बिल्कुल यहाँ साइन इनवर्स के साथ जीरो देख रहे हो तो साइन इनवर्स जीरो का मान जीरो होगा साइन इनवर्स जीरो क्योंकि जीरो की वैल्यू साइन जीरो होती है तो यहाँ से जीरो निकलेगा तो ये वैल्यू भी जीरो हो जाएगी तो ये तीन हिस्से आपके जीरो हो जाएंगे यहाँ पर और डायरेक्ट रख देंगे इस पर ठीक है इस पर कोई बहस नहीं करनी है डायरेक्ट आपको पता है और मैं एक बार पूरा हल भी करके आपको बता चुका हूँ किस तरीके के सिस्टम होता है सो फोर बी अपॉन ए और यहाँ पाएगा जीरो प्लस योरा ए स्क्वायर अपॉन टू एंड साइन इनवर्स ये बनेगा वन और वन के लिए कितना रखना है साइन पाई वाई टू ए से ए कटा वन बचा अब साइन के लिए वन रखेंगे कितनी वैल्यू नब्बे यानी साइन पाई बाई टू माइनस जीरो माइनस जीरो ये सिस्टम होगा जीरो वाला हटा देंगे सिस्टम और ये हो जाएगा फोर बी अपॉन ए और ये निकल के आएगा ए स्क्वायर अपॉन टू और गुड़े में पाई बाई टू अब दो दुनी चार और यहाँ दो दुनी चार से ये हम इसको काट रहे हैं एक ए से एक एक कट जाएगा तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि अभीष्ट व्रत का अभीष्ट दीर्घ व्रत का क्षेत्र अभीष्ट दीर्घ अभीष्ट दीर्घ वृत्त का क्षेत्रफल जो आपका हो जाएगा वो यहाँ से कितना हो जाएगा भाई ए से ए कट गया बचा पाई बचा ए और एक बचा बी ठीक है ये बचा पाई बचा यहाँ ए बचा यहाँ पर बी बचा तो इस हिसाब से क्षेत्रफल आ जाएगा पाई ए बी और मैंने आपसे कहा वर्ग इकाई लिखिए सो so, पाई ए बी वर्ग इकाई कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए इस तरीके से दिखा देंगे समझ गए बात अगर वहीं पर मैं आपको यह कह दूं कि वाई अक्ष के अकॉर्डिंग आप सोचते तब वाई अक्ष के अकॉर्डिंग मैंने आपको बताया कि कैसे सोचना है कि वाई अक्ष के अकॉर्डिंग आप यहां पर देखेंगे वाई अक्ष पर लिमिट क्या होगी तो यहां पर वाई का मान हो जाएगा जीरो और लघु अक्ष के लिए टू बी होता ना लघु अक्ष की लंबाई तो यहां पर कितना आएगा यहां पर वाई का मान आएगा बी अब वाई अक्ष के लिए एक्स इंटू डी वाई करते हैं याद हो लग वाई अक्ष के लिए क्या मैंने बताया वाई अक्ष के लिए वाई अक्ष के लिए हम करते हैं वाई इंटू एक्स इंटू डी वाई क्या करते हैं एक्स इंटू डी वाई करते हैं कितना करते हैं एक्स इंटू डी वाई करते हैं एक्स इंटू डी वाई करते हैं तो यहां से पहले हम एक्स की वैल्यू निकालेंगे अब एक्स की वैल्यू कहाँ से निकालनी है आपको जैसे वाई की वैल्यू निकाली थी कि एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बराबर बर। अगर यहाँ से हम एक्स की वैल्यू निकालते हैं तो ये आती है ए अपॉन बी अंडर रूड ऑफ ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ठीक है और लिमिट जो जाएगी वो जीरो से बी की जाएगी बस इसको हल करेंगे जीरो से बी एंड ये हो रहा था ए अपॉन बी ए अपॉन बी एंड अंडर रूड ऑफ ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ठीक है ना ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की बी निकलेगा हाँ बी स्क्वायर सो बी स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड डी वाई क्लियर बात है सो so, इस तरीके से यहाँ पर कर देंगे और चूंकि ये इतने क्षेत्र का क्षेत्रफल आएगा इतने क्षेत्र का तो अगर पूरे दीर्घ का निकालना है तो इसमें चार का गुणा कर देंगे अब आप समझ गए होंगे किस तरीके से चीज़ें होती हैं अगर x अक्ष के अकॉर्डिंग आपको देखना है तो x वाली पट्टी पर देखेंगे कि लिमिट कहाँ से कहाँ तक जा रही अगर y अक्ष के लिए सोचेंगे तो फिर y अक्ष की पट्टी पर सोचेंगे कि लिमिट कहाँ से कहाँ तक जा रही क्लियर बात है समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा ये एकदम मौज हो रही कि नहीं हो रही तो फिर इसी बात पर लाइक ठोक दो ठीक है आगे बात करते हैं और आपको कह रहा है कि एक वक्र एवं एक रेखा से घिरे क्षेत्र का क्षेत्र अब यहाँ पर कॉम्बिनेशन हो रहा वक्र का और रेखा का अब देखो वक्र के अंतर्गत हम व्रत परवलय दीर्घवत, अति परवलय का नहीं इस्तेमाल होगा ये तीन चीज़ें तो इस्तेमाल होती हैं आपकी ज़्यादातर मेनली जो मेन आपका इस्तेमाल होगा वो होगा आपका व्रत दीर्घ और परवलय ठीक है और उसमें भी प्रवलय का भी काफी अच्छा रोल रहता है तो एक वक्र एवं एक रेखा से गिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाई अ कर्व एंड अ लाइन ठीक है तो ये कह रहा है उदाहरण नंबर तीन की हम बात करें तो वक्र वाई बराबर एक्स स्क्वायर अब आपको ये देखना है कि वक्र कौन सा है वाई बराबर एक्स स्क्वायर क्या है परवलय है वक्र वाई बराबर एक्स स्क्वायर क्या है परवलय है। है? है। एक एवं रेखा वाई बराबर फोर अब वाई बराबर फोर का मतलब क्या हुआ एक्स अक्ष के समांतर रेखा ठीक है ना x अक्ष के समांतर रेखा जो y बराबर चार पर कटेगी से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए अब जरा समझने की कोशिश करो सबसे पहली बात तो ये है कि y बराबर एक्स स्क्वायर ये आपका एक परवल है ये कैसा परवल है ये आपका एक्स स्क्वायर बराबर फोर ए वाई वाला टाइप का परवल है जो कि y अक्ष की धनात्मक दिशा की तरफ खुलता है है ना वाई एक्सी कहाँ पर खुलता है ऐसे खुलता है वाई एक्सी धनात्मक दिशा निशा पर तो इस तरीके से ले लेंगे समझ न बात को इस तरीके से बना लिया क्लियर बात है अब वो कह रहा है वाई बराबर फोर तो वाई बराबर फोर का मतलब क्या एक्स अक्ष के समांतर एक रेखा इस तरीके से ठीक है तो ये आपको पूरा क्षेत्रफल निकाल के दिखाना है ये क्षेत्रफल समझने बात को ये क्षेत्रफल आपको निकाल के दिखाना है तो उसके लिए क्या करेंगे कि भाई हम एक हिस्सा पकड़ लेंगे उसके लिए हम एक हिस्सा पकड़ लेते हैं और दिखा देते हैं कि कितना होगा एक हिस्सा मतलब कहने का कि ये हिस्सा पकड़ लीजिए ये हिस्सा और उसमें अगर हम दो का गुणा कर दिया ठीक है ठीके? दो का गुणा कर दिया और निकाल लेंगे लेकिन आपको एक्स शख्स के लिए लेना है कि वाई एक्स के लिए लेना है तो जरा गौर करो जरा ध्यान से समझो ये ज्यादा आपका सही सुटेबल रहेगा वाई एक्स के लिए क्योंकि ये देखो पूरा कॉन्टैक्ट जो घिरा हुआ अच्छे देख रहे हैं ना ये वाई एक्स के लिए घिरा देख रहे हैं कि नहीं देख पा रहे हैं कि नहीं ये वाई एक्स के लिए पूरा घिरा हुआ देख देख पा रहे हैं ठीक है ना वाई एक्स के लिए तो ये हिस्सा निकाल लो इसमें दो का गुणा कर दो गुणे दो कर दो तो निकल आएगा अब लिमिट की बात करेंगे तो लिमिट यहाँ पर वाई का मान कितना होगा भाई यहाँ पर वाई का मान जीरो होगा और ये जो रेखा थी वाई बरावर फोर के लिए तो यहाँ पर कटा लाइन तो यहाँ पर जाएगी वाई बराबर फोर तो लिमिट आ गई सिंपली जीरो से चार के लिए तो लिमिट तो हो गई जीरो से चार के लिए लेकिन वाई अक्ष के लिए क्या लेते हैं एक्स इंटू डी वाई यही लेते हैं ना एक्स इंटू डी वाई तो एक्स का मान कहाँ से आ जाएगा एक्स का मान ये जो परवल है दिया वहाँ से आ जाएगा एक्स स्क्वायर बराबर वाई है तो एक्स बराबर रखेंगे अंडर रूट वाई इंटू डी वाई और लिमिट जाएगी जीरो से चार के लिए बात समझ में आ रही होगी आपकी इतनी ठीक है अब चूंकि आपको पूरा निकालना है तो गुणे दो करेंगे और गुणे दो करेंगे तो निकल आएगा सिस्टम अंडर रूट वाई का मान निकालना कोई ज्यादा यहाँ से कठिन बात नहीं तो ये वाई के लिए समझ लीजिए लेकिन वहीं अगर मैं कह दूँ एक्स अक्ष के लिए तो देखो वाई के लिए बहुत ही सिंपल तरीके से हो गया इसमें आप घुसने की ज्यादा खास ज़रूरत नहीं है लेकिन फिर भी मैं समझाने के लिए आपको समझा देता हूँ आपको समझाऊं कि किस तरीके से निकलेगी बात तो यहाँ देखो ये यह अपन को निकालना है ये वाई बराबर फोर हो गया ठीक है तो उसके लिए फिर हम क्या सोचेंगे कि यहाँ पर आप अप, समझ समझना यहाँ पर आप सोचेंगे कि अगर एक्स अक्ष के लिए निकालना तो फिर एक्स अक्ष के लिए आपको ये देखना पड़ेगा कि ये ये बात होगी x अक्ष के लिए लेकिन x अक्ष के लिए आपको ये क्षेत्रफल थोड़ी निकालना आपको तो ये क्षेत्रफल निकाल के दिखाना है तो उस स्थिति में क्या करोगे ये आपका क्या बन गया ये एक आयत बन गया क्या बन गया आयत बन गया है ना तो अगर हम आयत में से ये हिस्सा हटा दें ठीक है समझ ना आयत में से ये हिस्सा हटा दें तो ये वाला हिस्सा निकल आएगा समझ पा रहे होंगे आयत में ये साथ निकल आएगा उसमें का गुणा करते हैं फिर से मैं समझाऊं, देखो ये हो गया परवल है जो वाई एक्स की तरफ मुख किए हुए हैं वाई एक्स की धनात्मक दिशा में अगर हम एक्स अक्ष की बात करें तो इसके लिए हम क्या सोचेंगे कि यहाँ से हमने ये लिया इस तरीके से तो ये एक आयत बनेगा अब आयत के लिए आपको लंबाई चौड़ा चाहिए तो यहाँ तो आपको मिल गया वाई बराबर फोर लेकिन ये जो जो है ये ये हिस्सा कितना होगा तो आपको पता है कि क्या दिया था भाई एक्स स्क्वायर बराबर वाई दिया था तो वाई का मान चार था तो एक्स बराबर कितना निकलेगा ये हो जाएगा अंडर रूड ऑंड फोर तो एक्स की वैल्यू हो जाएगी टू तो यहाँ पर जो मान आएगा एक्स का यहाँ पर एक्स का मान कितना यहाँ पर एक्स का मान जीरो मूल बिंदु पर यहाँ पर एक्स का मान कितना हो जाएगा एक्स बराबर दो क्योंकि आपने ये निकाला ये देख पा रहे हैं ये यहाँ पर आपने निकाला तो एक्स बराबर दो हो जाएगा लेकिन उसके लिए आपको ये करना होगा कि ये जो आयत है ये आयत इस आयत में से हम ये हिस्सा घटा देंगे तो ये हिस्सा निकल आएगा और फिर इस हिस्से में दो का गुणा करेंगे तो x के लिए इतना सब कुछ करना है तो y के लिए बहुत ही ज़्यादा सिंपल हो रहा था y के लिए सीधा सीधा ऐसे कर देते लेकिन x के लिए फिर आपको ये करना पड़ता आयत अब आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई तो चार ये इतना हिस्सा चार है और ये हिस्सा ये ए, ये हिस्सा कितना हो रहा है ये दो हो रहा है ठीक है तो लंबाई गुणे के साथ से चार गुणे दो कर देते फिर घटाएंगे माइनस लिमिट जाएगी जीरो से दो के लिए जीरो से दो के लिए और वाई इंटू डी एक्स होता और y का मान रखना है आपको एक्स स्क्वायर वाई का मान कितना रखना है एक्स स्क्वायर तो यहाँ से आप करेंगे और इस सिस्टम का गुणा दो करना था ठीक है ये जो ये जो आपका सिस्टम आएगा इस सिस्टम का ठीक है क्योंकि एक हिस्सा निकले तो गुणा दो करना था बात समझ में आई होगी फिर से एक बार मैं समझा दूं कि अगर आपको x अक्ष के लिए निकालना होगा तो पहले आप ये y बराबर चाल ले रहे हैं ये पट्टी क्या थी वाई बराबर फोर थी फिर आपने x के लिए निकाला तो x बराबर कितना निकला x बराबर दो निकला तो ये आपने ये निकाल लिया आयत अब आयत में से अगर आप ये हिस्सा घटा दें घटा दें तो ये हिस्सा निकल आएगा और इस हिस्से में आपको दो का गुणा कर देना तो आयत का क्षेत्रफल लंबाई लंबाई चौड़ाई के हिसाब से आठ हो जाएगा फिर यहाँ से एक्स अक्ष के लिए यहाँ एक्स बराबर जीरो और यहाँ एक्स बराबर दो के लिए देख पाएंगे ठीक है तो ये जाएगा जीरो से दो एंड वाई इंटू डी एक्स और वाई की वैल्यू रखनी है हमको एक्स स्क्वायर और इस सिस्टम का कर, कर देना है डबल तो ये निकल आएगा लेकिन मेरे हिसाब से ये सिस्टम आपका सही है एक्स वाला जहाँ पर आपको ये देखना था Uh, y एक्स के लिए यहाँ पर आप ये देख रहे थे कि ये सीधा सीधा दिया था ज़्यादा कुछ करना नहीं था कि यहाँ पर y की वैल्यू हो गई जीरो और यहाँ पर y की वैल्यू हो गई फोर ठीक है तो ये लिमिट तो चली गई जीरो से लिमिट चली गई जीरो से चार और y एक्स के लिए लेते हैं x इंटू डी वाई तो x का मान रखना है आपको अंडर वूड वाई और इस हिस्से को निकालना है इस हिस्से को निकालना है और उसमें दो का गुणा करना है तो दो का गुणा करके पूरा सिस्टम निकल आया होगा आप समझ गए होंगे बात ठीक तो क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर आपको क्या है कि वक्र दे दिया ठीक है वक्र जो कि एक क्या है भाई पर वलय है ठीक है पैराबोला है और ये आपको दे रहा वाई बराबर एक्स स्क्वायर तो वाई अक्ष के अकॉर्डिंग हम निकाल रहे हैं तो यहां पर आपने देखा कि भाई वाई अक्ष के लिए लिमिट जो जाएगी वाई अक्ष पर देखनी है। लिमिट क्या देखनी है वाई अक्ष पर ठीक है तो इस केस में हमने लिया कि यहाँ पर ले लिया वाई के लिए जीरो क्योंकि मूल बिंदु पर वाई का मान जीरो होगा और रेखा वाई बराबर फोर थी तो यहाँ पर वाई मान कितना होगा यहाँ पर वाई मान फोर होगा तो लिमिट आपको मिल गई जीरो से चार के लिए समझ गए ना लिमिट अगर वाई एक्स के अकॉर्डिंग देख रहे हैं तो वाई एक्स पर देखेंगे कौन कौन से बिंदु आपको मिल रहे हैं फिर इसका एरिया निकालेंगे जो कि हमने ले लिया जीरो ओ जीरो नहीं ये हो गया ओ ओ ए बी ओ, ये एरिया की बात कर रहे हैं ठीक है यहाँ से ये गए इतना गए देन इतना गए और ये एरिया इसका डबल कर देंगे तो पूरे का आ जाएगा एरिया ठीक है तो हम यहाँ पर निकाल रहे हैं यहाँ पर लिख देंगे अभीष्ट ये तो हो गया यहाँ से y बराबर एक्स स्क्वायर सो वाई एक्स के लिए निकालना है तो ये x बराबर हो जाएगा अंडर वाई ठीक है तो यहाँ से हम कह रहे हैं कि अभीष्ट अभी अब अभीष्ट, अभ, अभीष्ट देखो कोई भी क्षेत्रपल निकालना हूं आप सीधा सीधा ये लिख दिया करो अभी क्षेत्रफल बस समझ गए ना बस बस अभीष्ट लिखने से सारी कहानी हो जाती है इस बात में समझो ज्यादा कुछ सोचना नहीं है हाँ अगर आपको सोचना है तो फिर ये कह सकते हैं कि वक्र वायु बराबर एक्स स्क्वायर एवं रेखा वायु बराबर फोर से घिरा छेद का क्षेत्रफल ठीक है अगर आपको अभिष्ट क्षेत्रफल नहीं कहना है और प्रॉपर तो फिर उस केस में हम क्या लिखेंगे फिर हम यहाँ पर लिख सकते हैं अगर आपको प्रॉपर लिखना है देखो मेरे हिसाब से अभी चेप पर लिख के आप बात को खत्म कर सकते हैं यहाँ फिर आपको लिखना पड़ेगा तो फिर लिखना पड़ेगा वक्र वाई स्क्वायर बराबर एक्स एवं रेखा वाई बराबर फोर से घिरे से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल फिर आपको ये अगर लिखना है तो फिर आपको पूरा ये लिखना पड़ेगा लेकिन मेरे हिसाब से अभीष्ट क्षेत्रफल करके आप अपनी कहानी को पूरा कर सकते हैं ठीक है तो अभीष्ट क्षेत्रफल कितना हो जाएगा ये हो जाएगा भाई डबल ऑफ मतलब दो का गुणा करना है क्योंकि डबल निकालेंगे ये हिस्सा इस हिस्से का हम डबल कर देंगे तो आ जाएगा ठीक है तो ये कितना हो रहा है दो क्षेत्र क्षेत्र दो क्षेत्र ओ ए बी ओ का क्षेत्रफल क्षेत्र ओ ए बी ओ का क्षेत्रफल अब क्षेत्र ओ ए बी ओ का क्षेत्रफल किस हिसाब से ले रहे थे वाई अक्ष के अकॉर्डिंग ले रहे थे तो ये होना है जीरो से चार लिमिट देख पा रहे हैं आप कहाँ से कहाँ तक ये जीरो से चार की लिमिट होनी थी ठीक है और y अक्ष के लिए लेते हैं तो x इंटू डी वाई करते हैं और यहाँ से आपने x का मान निकाला था अंडर रूट वाई ठीक है सो ये हो गया टू एंड यहाँ पर हम ले रहे हैं जीरो से फोर अंडर रूट वाई इंटू डी वाई ठीक है बस यहाँ पर ये चीज़ याद रखिएगा कि अगर x अक्ष है कौन सा x अक्ष तो उसके लिए हम लेते हैं a से b और y dx, ठीक है और अगर y अक्ष है क्या yx? तो उसके लिए हम लेते हैं c से d x से डी वाई ठीक है ना और ये चीज़ मैंने कॉन्सेप्ट में आपको क्लियर कराई थी तो याद रखिएगा इस बात को कि कैसे लेना है कैसे नहीं लेना अब यहाँ पर सिंपली आप कर पाएंगे कि डबल और ये अन, वाई की पावर एक बटे दो है अंडर रूट वाई वाई की पावर एक बटे दो और देखो अगर आपको ये लग रहा हो कि कहीं मैं तेज़ बता रहा हूँ कोई भी सिस्टम या फिर मैंने बहुत जल्दी आपको चीज़ों को उसमें लगा दिया हो या बहुत तेज़ी से समझा दिया हो तो भैया एक काम आप कर सकते हो कि मेरी स्पीड अगर आपको कम ज़्यादा लग जाए तो रिवर्स करके देख लेना मैंने ये बात भी पहले भी कही है कि अगर समझाते समय मैं, मैं बहुत तेज़ी से बता गया हूँ कोई भी चीज़ तो आपको सिस्टम को आपको सिस्टम समझने के लिए कोई भी चीज़ समझने के लिए आप रिवर्स करके आराम से इतमान से जितनी बार चाहें उतनी बार रिवर्स करके पीछे जाके वो चीज़ समझ सकते हैं अच्छा ये मुझे बताना पड़ता है क्योंकि कमेंट्स इस प्रकार के आते हैं जो भी चीज़ मैं कह रहा हूँ ये पीछे जाने के लिए सर ये वाला फिर से बताइए अरे वीडियो है यार वीडियो लेक्चर जितनी बार देखना चाहो उतनी बार देख लो जितनी बार समझना चाहो उतनी बार समझ सको कमेंट्स आते हैं कि सर आप बहुत तेज समझाते हो तो यार ये समझो ना वीडियो लेक्चर इसीलिए ये तो फ़ायदेमंद होता है कि जितना चाहो उतना समझो जितना जानना चाहो जितना आपको जानना है जितना आपको रिवर्स करना है सब कुछ कर सकते हो इतमान से करो ठीक है ना हाँ सो अंडर रूट वाई यानी वाई की पावर वन अपॉइंट टू अब घात में एक जोड़ देते हैं तो वन अपॉइंट टू में एक जोड़ेंगे तो तीन बटे दो आएगा और जो घात होती है उसी को हम हर में लेते हैं तो ये हो जाएगा वाई की पावर थ्री अपॉन टू अपॉन में थ्री अपॉन टू एंड ये लिमिट जाएगी जीरो से चार के लिए ठीक है और निश्चित समाकलन में अचर पद नहीं लेते हैं ध्यान रखिएगा इस बात को सो so ये टू हो जाएगा यानी दो बटे तीन वाई की पावर तीन बटे दो लिमिट है चार से जीरो की दो बटे तीन को हम बाहर निकाल लेते हैं दो गुणे दो बटे तीन अब लिमिट रखेंगे तो चार की पावर तीन बटे दो माइनस जीरो की पावर तीन बटे दो ठीक है हम्म हो जाएगा चार दो, दो, दो नहीं, चार बटे तीन अच्छा चार की पावर तीन बटे दो कितना आठ निकलेगा, निकलेगा. देखिए कैसे चार की पावर तीन बटे दो यानी इसको लिख सकते हैं चार की पावर एक बटे दो की पावर तीन ठीक है अब पावर एक बटे दो का मतलब होता है अंडर रूट चार और ये पावर तीन यानी बचेगा दो की पावर तीन यानी कि आठ आ जाएगा तो यहाँ से आ जाएगा भाई एट माइनस का जीरो और ये निकलेगा आठ चको बटे तीन वर्ग इकाई ठीक है ये हो जाएगा भाई आंसर आंसर रिक्वायर्ड ठीक है ना तो इस तरीके से करना था चीजों को समझ लेना देख लेना जो भी हो रहा है जैसे भी आपका हो रहा था मैंने आपको समझा दिया कि किस तरीके से चीजों को करना था क्लियर बात ठीक है आगे बात करते हैं और उदाहरण नंबर चार देखते हैं देखो तो उदाहरण नंबर चार के ऊपर आपको एनसीआरटी बुक में एक टिप्पणी दी है मैं अगर उसको पढ़ू तो उपरोक्त उदाहरणों से यह निष्कर्ष निकलता है कि किसी क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हम ऊर्ध्वाधर अथवा क्षेत्र पट्टियों में से किसी एक को भी ले सकते हैं ऊर्ध्वाधर पट्टी का मतलब हो गया जो एक्स है इसके लंबवत हम एक पट्टी डाल लें यानी ये ऊर्ध्वाधर पट्टी हो गई तो ऊर्ध्वाधर पट्टी का मतलब हो रहा है एक की बात कर रहा है वो क्षेत्र पट्टी का मतलब हो गया ये होता है आपका एक्श अक्ष तो वाई अक्ष के लिए छतज पट्टी डलती है ठीक है वाई अक्ष के लिए छतज पट्टी डलती है और एक्स अक्ष के लिए ऊर्ध्वाधर पट्टी डलती है तो वो इसकी बात कर रहा है यानी ऊर्ध्वाधर पट्टी का मतलब हो गया वो एक्स अक्ष की बात कर रहा है और छत पट्टी का मतलब हो गया वो वाई अक्ष कि की बात कर रहा है तो हम वाई एक्स अक्ष अथवा वाई अक्ष में से किसी को भी ले सकते हैं ये कह रहा है इससे आगे हम इन दोनों पट्टियों में से किसी एक एक की चर्चा करेंगे मतलब वो आगे ये कह रहा है कि आपने उदाहरण नंबर तीन तक दो टाइप के देख ली सवाल दो दो मेथड करके उदाहरण में भी दो दो मेथड लगे हुए हैं फर्स्ट मेथड एंड सेकंड मेथड करके एक बार एक्स एक्स को लिया गया एक बार वाई एक्स को लिया गया उदाहरण नंबर चार में उदाहरण नंबर तीन तक और फिर वो कह रहा है कि इसके आगे हम सिर्फ एक ही मेथड लेके काम करेंगे धर पट्टियों को सामान्यता अधिक प्राथमिकता दी जाएगी तब कहने का जो मैंने आपसे कहा कि 99% परसेंट केस जो होंगे वहां पर हम x अक्ष के अकॉर्डिंग सवालों को हल करते हुए जाएंगे ठीक है अब देखिए सवाल क्या कह रहा है कि प्रथम चतुर्थांश में व्रत एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर बत्तीस रेखा वाई बराबर x एवं x अक्ष से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए सिर्फ प्रथम चतुर्थांश की बात कर रहा पूरे की बात नहीं कर रहा ध्यान रखना पूरे की बात वो नहीं कह रहा कि प्रथम चतुर्थांश में व्रत एक्स स्क्वायर एवं वाई स्क्वायर तो ये तो आपका दिख रहा है भाई इतना ब्रत दिख लिया ठीक है ये व्रत हो गया और उस पर कह रहा है कि रेखा तो रेखा दे रहा है वाई बराबर एक्स अब रेखा वाई बराबर एक्स एक ऐसी रेखा होगी जो मूल बिंदु से होकर जाएगी और जिसके लिए एंगल जो होगा वो फोर्टी फाइव डिग्री होगा ये कक्षा ग्यारह का मामला है ध्यान रखना इस बात को ठीक है तो ये हो गई ये डाल दिया अपने रेखा जो कि मूल बिंदु से होकर जा रही है और पैंतालीस डिग्री का एंगल बना रही है कुछ इस प्रकार से हम ले लेंगे ठीक है इस प्रकार से ले लिया सिस्टम को समझिएगा अब यहाँ पर हम ये कह रहे हैं कि ये रेखा y बराबर एक्स और ये वृत्त हो गया आपके पास ये वाला जो वृत्त है ये व्रत हो गया कि एक्स स्क्वायर प्लस ठीक है लेकिन यहां समझो ये जो रेखा दी है ये रेखा इस रेखा से इस व्रत से और अक्ष से घिरा क्षेत्रफल आपको इतना निकाल के दिखाना है ठीक है तो उसके लिए हम क्या करेंगे ये जो रेखा यहाँ पर मिल रही है ना तो अब इस हिस्से को हम दो हिस्सों में बांट लेते हैं इस प्रकार से ये दो हिस्से कर लिए ठीक है थीके? और फिर हम इसका क्षेत्रफल और इसका क्षेत्रफल निकाल के दोनों को जोड़ देंगे और आ जाएगी चीजें बात को समझिएगा दोनों को ऐड कर देंगे तो चीजें सिस्टम आपका हो जाएगा तो यहाँ पर आप इसके लिए क्या करेंगे कि ये जो रेखा है ना यहाँ इस पॉइंट पर मिल रही है यानी व्रत और रेखा दोनों इस पॉइंट पर मिल रहे हैं तो दोनों जब मिल रहे हैं दोनों का प्रतिच्छेदन बिंदु भी होगा अब प्रतिच्छेदन बिंदु होगा कैसे कि रेखा और व्रत को अगर हम हल कर लें तो वहाँ से प्रतिच्छेदन बिंदु निकल आएगा फिर इस पॉइंट से हम यहाँ तक एक लाइन लेनी है क्योंकि मैंने आपको बताया कि ये दो हिस्से हो रहे हैं ठीक है उस केस में फिर लिमिट कहाँ से कहाँ तक जाएगी एक एक्स बराबर यहाँ पर तो होगा तो एक्स बराबर जीरो सिंपल देन यहां पर हम देखेंगे यहाँ पर एक्स का मान कितना है और यहाँ पर हो जाएगा एक्स का मान त्रिज्या के बराबर क्योंकि ये पूरी आपकी त्रिज्या हो रही है ठीक है तो इतना सिस्टम हमने त्रिज्या के बराबर ले लेना तो यहां पर हम एक्स बराबर लेंगे जो होगी त्रिज्या इस तरीके से सिस्टम अपन को क्रिएट कर लेना और बन जाएगा सिस्टम किस तरीके से निकालना किस तरीके से नहीं, नहीं निकालना सबसे सब पहली बात हम करेंगे इस पॉइंट की जहाँ पर व्रत और रेखा मिल रही है यहां पर कितना बिंदु आ रहा है ठीक है ना तो इतना हम देख लेते हैं किस तरीके से करना है किस तरीके से आना है इसकी बात कर लेते हैं यहाँ पर सिंपली ये हो गया व्रत ठीक है जरा गौर करते हैं व्रत व्रत हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर बत्तीस तो यहाँ पर व्रत के लिए केंद्र क्या कहलाएगा भाई केंद्र तो होगा यहाँ पर मूल बिंदु जीरो जीरो होंगे कि नहीं होंगे और त्रिज्या ए स्क्वायर के हिसाब से त्रिज्या त्रिज्या आर बराबर होगी अंडर रूट बत्तीस यानी कि चार अंडर रूट दो इकाई यही कहलाएगा ना सोलह दुनी बत्तीस बत्तीस को हम क्या लिख सकेंगे सोलह दूनी बत्तीस और ये अंडर रूट से सोलह बाहर निकलेगा चार के रूप में तो चार रूट दो मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा बिल्कुल ये बात सही है ठीक है इतना क्लियर है तो त्रिज्या हो गई तो अब त्रिज्या हो गई और मैं आपसे कह रहा हूं कि रेखा और व्रत के बीच जो प्रतिचेदन बिंदु निकल रहा है वो कैसे निकालेंगे सो रेखा वाई बराबर एक्स एवं व्रत एवं व्रत एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर बत्तीस का प्रतिच्छेदन बिंदु का प्रतिच्छेद बिंदु ये ज्ञात करेंगे अब प्रतिच्छेद बिंदु ये ज्ञात करेंगे ये ये यहाँ पर इस पॉइंट को आप देख पा रहे होंगे ये पॉइंट निकालना है आपको ठीक है इस पॉइंट को समझिएगा ये वाला जो पॉइंट आप देख पाएंगे ठीक है तो ये पॉइंट निकालेंगे कैसे निकालेंगे भाई x y बराबर दिया तो y का मान उठा के रख दो ठीक है प्रतिच्छेदन बिंदु रेखा रेखा y बराबर एक्स व्रत एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर बत्तीस में रखने पर ठीक है रखने पर तो यहाँ से रखने पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर रखने पर क्या निकल आएगा ये हो जाएगा भाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बराबर बत्तीस तो यानी कि टू एक्स स्क्वायर बराबर बत्तीस तो यहाँ से हम ले रहे हैं दो का भाग देंगे तो एक्स स्क्वायर बराबर ये हो जाएगा सोलह यानी कि यहां से हमने कह दिया एक्स बराबर चार अब एक्स बराबर चार है तो आपको पता है वाई बराबर एक्स था ये देख रहे हैं वाई बराबर एक्स था तो यहाँ से हम कह सकते हैं भाई वाई बराबर कितना हो जाएगा इसीलिए वाई बराबर भी हो जाएगा चार तो ये जो रेखा और व्रत के लिए बिंदु होगा ये वाला बिंदु आप ये देख पाएंगे ये वाला जो बिंदु होगा ये बिंदु कितना होगा ये वाला बिंदु ये वाला बिंदु होगा भाई फोर एंड फोर सिंपल बात है ठीक है तो अगर हमने यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर दी तो यहाँ पर बिंदु हो जाएगा x बराबर जीरो सिंपल ठीक है देन इस वाले पॉइंट पर बिंदु कितना होगा यहाँ पर होगा x बराबर चार ठीक है ना और इस वाले पॉइंट पर होगा त्रिज्या के बराबर यानी एक्स बराबर त्रिज्या कितनी निकल रही थी चार अंडर रूट दो सिंपल बात है ठीक है तो अब हमें एक्स अक्ष से घिरा क्षेत्रफल पर निकालना तो यहाँ से हम यहाँ तक जाएंगे समझिएगा यहाँ से यहाँ तक लिमिट होगी जीरो से चार के लिए एक हिस्सा देन इस हिस्से को जोड़ना है अपन को तो हम जाएंगे चार से चार से कहाँ तक चार से हम चार रूट दो के लिए जाएंगे चार से फोर रूट टू तक के लिए चले जाएंगे तो वहाँ से अपना ये दूसरा हिस्सा भी निकल आएगा ठीक है इतनी बात क्लियर रही होगी समझिए तो यहाँ से हम कह देंगे अभीष्ट एक एक बात समझ लीजिएगा जो भी मैं कह रहा हूँ कहाँ से क्या करना है तो यहाँ से आपको कहना है अभीष्ट क्षेत्रफल ठीक है भाई अभीष्ट क्षेत्रफल अब ये अभीष्ट क्षेत्रफल होगा क्या अगर मैं नाम दे दूँ इन सबको अगर मैं इन सबको नाम देने की बात करूँ तो यहाँ पर ओ ले लो यहां पर हमने ए ले लिया यहां पर हमने बी ले लिया और यहां पर हमने सी ले लिया ठीक है इस पॉइंट दे है तो पहला जो क्षेत्र है आपका पहला वाला ये वाला क्षेत्र समझिएगा ये वाला जो क्षेत्र है इस वाले क्षेत्र को हम क्या बोल रहे हैं इस वाले क्षेत्र को हम बोलेंगे ओ ए बी ओ ठीक है और ये वाला जो क्षेत्र देख रहे हैं इसको हम नाम दे सकते हैं ए सी बी ए ठीक है ना क्योंकि हम चलते किस हिसाब से हैं चलते हम इस हिसाब से हैं देखो ओ से चलना शुरू किया ए तक गए ए से हम बी तक गए और ये बी से फिर ओ तक आ गए तो एक हिस्सा ये हो गया समझ गए बात? फिर ए से हम देखो एक्स एक्स के लिए जाएंगे ना तो ए से सी तक गए सी से हम बी तक गए बी से फिर हम ए तक आए तो ये हिस्सा हो गया तो ये निकालना फिर यानी कि ये दोनों हिस्से जोड़ देने ओ ए बी ओ प्लस ए सी बी ए तो क्षेत्र क्षेत्र ओ ए बी ओ ओ ए बी ओ का क्षेत्रफल का अच्छा ये चीज़ लिखना चाहो तो लिखो नहीं लिखना चाहो तो कोई भी दिक्कत नहीं है सर डायरेक्ट भी समझा सकते हैं आपको पता है कि इस वाले के लिए लिमिट होगी जीरो से चार के लिए और इस वाले के लिए लिमिट होगी चार से चार रूट दो के लिए और दोनों के लिए एक्स इंटू वाई इंटू डी एक्स करना है वाई इंटू डी एक्स करना है अब वाई एक चीज़ और मैं बताना आपको रह गया कि इस वाले के लिए वाई जो कहलाएगा वो होगी रेखा के लिए सिस्टम और इस वाले के लिए जो टच हो रहा है वो ब्रथ हो रहा है ना टच तो इस वाले के लिए हम वाई रखेंगे ब्रथ को ठीक है पहले वाले के लिए हमको रखना है रेखा के लिए ठीक है इस वाले के लिए देखो ये जो सिस्टम है इसमें रेखा टच हो रही ये ये जो सिस्टम है इसके लिए क्या हो रहा टच रेखा टच हो रही तो इस वाले के लिए इस वाले सिस्टम के लिए देखना ये वाले के लिए हमें रखना है रेखा वाला सिस्टम और इस वाले के लिए ये दूसरा जो एरिया दिख रहा है ये व्रत टच हो रहा तो ये दूसरे वाले के लिए हम व्रत का वाई रखेंगे समझ गए बात ठीक है तो देखिए तो क्षेत्र ओ ए बी ओ का क्षेत्रफल प्लस क्षेत्र यहाँ पर हम ले रहे हैं क्षेत्र दूसरा जो क्षेत्र था ये वाला कौन सा था ए सी बी ए का क्षेत्रफल क्षेत्र ए सी बी ए का क्षेत्र फल तो जो ओ ए बी ओ का क्षेत्रफल था यहाँ ये वाला तो इसके लिए लिमिट ले रहे थे हम पहले वाले हिस्से में लिमिट ले रहे थे जीरो से चार की तो यहाँ पर ले रहे थे इंडिकेशन जीरो से चार और ये वाला लेना था रेखा का वाई वाई इंटू डी एक्स ठीक है प्लस और अगला जो लिमिट लेना था वो था फोर से फोर अंडर रूट टू फोर से फोर अंडर रूट टू और ये वाला जो ब्रथ लेना था वो वाई लेना था वो व्रत का वाई ले लेता है डी एक्स करना था तो रेखा के लिए वाई की वैल्यू कितनी हो रही थी रेखा के लिए वाई की वैल्यू हो रही थी वाई बराबर एक्स था तो वाई एक्स हो गया इंटू डी एक्स और प्लस यहाँ पर फोर एंड फोर अंडर रूट टू व्रत के लिए वाई की जो वैल्यू निकल के आएगी वो हो जाएगी अंडर रूट ऑफ बत्तीस माइनस एक्स स्क्वायर यही निकल के आएगा ना है ना देख लो भाई dx अगर मैं बात करूँ यहाँ पर इस सिस्टम में तो यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर बत्तीस था तो यहाँ से अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ से कितनी वैल्यू निकाल सकते हैं आप यहाँ से आप निकाल के दिखा रहे हैं वाई बराबर अंडरवुड ऑफ अंडर वूड ऑफ़ वर्गमूल बत्तीस माइनस एक्स स्क्वायर ठीक है भाई और यहाँ पर अंडर वुड ऑफ़ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला हम लगा देंगे इतना मैं आपको मशक्कत कर रहा हूँ सिर्फ इसलिए कि आप अच्छी तरीके से समझ जाए ठीक है और अभीष्ट हल दिखा के आप चाहो तो ये डायरेक्ट ये वाली लाइन लिख सकते हो जरूरी नहीं है कि आपको यही लाइन लिखनी हो नहीं आप डायरेक्ट इस लाइन पर पहुँच सकते हो ठीक है ना हाँ अब इसको हल कर लेंगे सो ले, एक्स के लिए हो जाएगा ये एक्स स्क्वायर अपॉन टू और लिमिट जानी है जीरो से चार की प्लस यहाँ तो फार्मूला क्रिएट होगा बत्तीस को हम चार रूट दो लिख सकते हैं तो ये फार्मूला होता है आपका कि अगर मैं एक बार फार्मूला आपको याद दिलाऊं, तो इंट्रीग्रेशन ऑफ अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स फॉर्मूला आपको अच्छी तरीके से याद होना चाहिए और मैं कहता हूँ आप फार्मूला बार बार लिखिए ठीक है प्लस ए स्क्वायर अपॉन टू एंड साइन इनवर्स एक्स अपॉन ये होता है फार्मूला ठीक है ना हाँ भाई तो यहाँ पर ए की वैल्यू है चार रूट दो ए का मान कितना रखना है फोर रूट दो और ए स्क्वायर का मान रखना है बत्तीस ठीक है तो यहाँ से हम कह रहे हैं एक्स अपॉन टू

साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए एक्स ए का मान जाएगा चार अंडर रूट दो इतना और लिमिट जानी है फोर से फोर रूट टू की बढ़िया सवाल है देख लेते हैं हाँ और मैं ये आपको बताना भूल गया कि उदाहरण नंबर चार और उदाहरण नंबर पांच आपके दोनों ही मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है तो मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल की कैटेगरी में रखिएगा इनको क्योंकि बेहतरीन सवाल है और मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है आए हुए सवाल है बोर्ड पेपर में ठीक है ना तो यहाँ बराबर ले रहे हैं और यहाँ पर सबसे पहले आपको वन टू बाहर निकाल लीजिए और लिमिट रखेंगे अपर लिमिट चार का वर्ग माइनस लोअर लिमिट जीरो का वर्ग ये पहले हिस्से में फिर प्लस अब यहाँ पर आप अपर लिमिट रखें तो चार रूट दो रखना एक्स की जगह रूट टू अपॉइंट टू अंडर रूट बत्तीस माइनस अच्छा एक्स स्क्वायर है तो चार रूट दो का वर्ग कितना होगा बत्तीस होगा चार रूट दो का वर्ग बत्तीस होगा बिल्कुल प्लस बत्तीस बटे दो एंड साइन इनवर्स एक्स की जगह आएगा चार रूट दो बटे चार रूट दो तो ये तो हो गई बात अपर लिमिट की ठीक है यहां पर हमने बात कर ली अपर लिमिट के लिए ओके अब लोअर लिमिट की बात कर लें तो माइनस और यहां पर पहले अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट फोर रखना है आपको तो ये हो रहा भाई फोर अपॉन टू एंड अंडर रूट यहाँ पर बात करें यहाँ पर आपको पहले की 4 4 x, 16, तो पर है है, x की जगह फोर रखना है तो फोर अपॉइंट टू अंडर रूट बत्तीस माइनस एक्स स्क्वायर है तो सोलह तो बत्तीस माइनस सोलह और ये हो रहा है प्लस बत्तीस बटे दो ठीक है ना ए स्क्वायर का मान तो बत्तीस ही रहेगा यहाँ पर इस जगह है ना ए स्क्वायर का मान बत्तीस ही रहेगा और एक्स की जगह रख रहे थे ए स्क्वायर तो निपट गया था एक्स की जगह रख रहे थे एक्स की जगह चार रखना तो बत्तीस बटे दो और साइन इनवर्स फोर अपऑन फोर रूट टू इतना आ जाएगा ठीक है भाई ओके तो यहाँ पर सबसे पहली बात तो जीरो क्या हो रहा तो ये जीरो का स्क्वायर जीरो जीरो होगा बत्तीस माइनस बत्तीस है तो ये जीरो हो जाएगा सिस्टम ठीक है इतना तो अपन ने जीरो कर ही लिया है तो अब ये हिस्से जो जीरो हो जाएंगे उनको हटा देंगे तो ये हो जाएगा वन अपॉन टू और यहाँ पर हो रहा है सोलह और ये यह प्लस यहाँ पर ये यह पहला हिस्सा जीरो हो रहा था तो इसको हटा दो प्लस ये बचा सोलह साइन इनवर्स चार रूट दो से चार रूट का दो कटा तो ये बचेगा वन ठीक है और माइनस दो अंडर तो से दो गया तो ये बचा आपको तो तो रूट, रूट तो चार चार कुछ मिल जाएगा तो यहां से हम कह सकते हैं सोलह बटे दो ये हो गया मिल गया आपको आठ प्लस और यहां पर हम ले रहे हैं सोलह सो साइन इन वर्स वन ठीक है तो ये हो गया सोलह एंड साइन इन वर्स वन की जगह आएगा साइन पाई वाई टू माइनस का टू अंडर रूट सोलह हो जाएगा भाई तो फोर दो गुण चार और प्लस सिक्सटीन एंड साइन इन वर्स वन अपॉन रूट टू रूट टू वन अपॉन रूट टू होता है आपका पैंतालीस डिग्री में तो ये हो जाएगा भाई साइन पाई वाई फोर ठीक है ओके भाई इतना हो गया यहाँ से हम ले रहे हैं एट प्लस और ये कितना हो रहा है सिक्सटीन एंड साइनर वर्स ये कटा तो ये बचेगा पाई बाई टू माइनस का ये है एट प्लस सिक्सटीन इन टू पाई बाई फोर ओके तो यहाँ से हम ले रहे हैं एट प्लस यहाँ से कितना बचेगा एट पाई माइनस का एट प्लस चार फोर पाई ठीक है माइनस और आएगा माइनस का भी गुणा करेंगे ना तो ये वाले इस माइनस का अंदर गुणा भी होगा तो ये हो जाएगा माइनस एट माइनस का चार्जों को सोलह तो फोर पाई इक्वल निकल आएगा अब तो यहाँ से हम ले रहे हैं एट प्लस एट पाई माइनस एट माइनस का फोर पाई तो सिंपली आठ से हमने आठ काट दिया और एट पाई में से फोर पाई काटेगा तो ये आ जाएगा फोर पाई वर्ग इकाई ठीक है तो इतना हो जाएगा आंसर अभी बात समझ में आई होगी आपको अगर कहीं पर भी कोई भी आपसे मिस हो गया है चीज़ों को समझने में तो रिपीट कर लेना ठीक है ना मेरी बात को फिर से समझ लेना मैं क्या कह रहा हूँ क्या नहीं कह रहा हूँ और उदाहरण नंबर चार और उदाहरण नंबर पाँच वैसे सारे यही क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट है देखो उदाहरण नंबर पहला और दूसरा वो भी आपका बोर्ड एग्ज़ाम में पूछा गया उदाहरण नंबर पहला और दूसरा ठीक है उदाहरण नंबर चौथा और पांचवा वो भी आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे गए तो उदाहरण नंबर पहला दूसरा चौथा और पाँचवा उदाहरण पांच हैं एट पॉइंट वन में शुरुआत में यहाँ पर पांच उदाहरण दिए उसमें से पहला दूसरा चौथा पांचवा बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है आप अनसॉल्व उठा के देख लीजिएगा आपको मिल जाएंगे ठीक है तो इस प्रकार से ये करना था और इम्पोर्टेंट रखिएगा इस सवाल को अच्छी तरीके से समझ लीजिएगा ठीक है आगे बात करते हैं और उदाहरण नंबर पांच देखते हैं उदाहरण नंबर पांच क्या कह रहा है आपको कि दीर्घ व्रत एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बराबर वन एवं कोटियों कोटियों का मतलब एक्स बराबर जीरो और एक्स बराबर ए अब ये ए क्या है नाभि की बात कर रहा है ठीक है फोकल पॉइंट एई से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जहां पर वो कह रहा है बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर वन माइनस ए स्क्वायर एवं ई लेस देन वन इतना कुछ कह रहा ठीक है थीके? तो सबसे पहली बात तो ये रहा भाई दीर्घवत ये हो गया अपने पास दीर्घवत ठीक है बात को समझिएगा और x होगा होगा वो हो मूल बिंदु पर और x बराबर ए वो कह रहा है नाभि के पॉइंट की बात कर रहा है यानी f बराबर यहां पर ये जो पॉइंट होगा ये जो पॉइंट होगा ये होगा f बराबर एंड जीरो क्लियर है तो अब ये आपको बताना है कि इससे घिरा क्षेत्रफल यानी कि ये ये क्षेत्रफल आपको दिखाना है कुल मिलाकर ठीक है अगर मैं आपको बात बताऊं तो कुल मिलाकर ये क्षेत्रफल आपको दिखाना है इतना क्षेत्रफल समझ गए होंगे बात इतना ये क्षेत्रफल दिखाना अब ये क्षेत्रफल कैसे दिखा सकते हैं आप कि ऊपर वाला क्षेत्रफल ले लीजिए ये इतना हिस्सा ले लें और इस हिस्से में हम दो का गुणा कर दें तो ये पूरा एरिया आ जाएगा बात समझ गए होंगे ठीक है तो यही यहाँ पर अपन को करना है कि ऊपर वाला हिस्सा निकाल लेते अब ऊपर वाला हिस्सा निकालने के लिए अपन को क्या क्या चाहिए सबसे पहली बात तो लिमिट चाहिए अगर हमको ये हिस्सा निकालना है समझिएगा बात तो हमें सबसे पहले क्या चाहिए हमें सबसे पहले लिमिट चाहिए तो लिमिट की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर x का मान होगा जीरो और इस पॉइंट पर x का मान कितना होगा इस वाले पॉइंट पर x का मान ए ही होगा क्योंकि वो कह रहा है x बराबर जीरो और x बराबर ए लिमिट मिल गई देन हमें इस पॉइंट इसके लिए हमें चाहिए वाई तो वाई का मान कहाँ से निकलेगा वाई का मान निकलेगा दीर्घ व्रत से क्योंकि एक्स अक्ष के लिए निकालना है तो हम लेते हैं ए से बी वाई इंटू डी एक्स तो वाई चाहिए पड़ता फार्मूला अच्छे से याद रखिएगा ठीक है ना वाई चाहिए अब वाई चाहिए वाई चाहिए, वाई चाहिए निकलेगा दीर्घ व्रत से तो निकाल लेंगे सिंपली तो यहाँ से हम इसमें और नाम आम देना चाहो तो नाम दे सकते हैं ये दे ले लो ओ एंड ये ले ले रहे हैं ए ये बी ले लिया ये सी ले लिया ठीक है तो हम क्या निकालेंगे क्षेत्रफल ओ ए बी सी और ओ तक का ये क्षेत्रफल उसमें दो का गुणा कर देंगे ठीक है सिंपल तो सबसे पहले हम वाई का मान निकालेंगे यहाँ पर हम ले रहे हैं दीर्घ व्रत अब दीर्घ व्रत आपके पास है एक्स स्क्वायर अपऑन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बी स्क्वायर बराबर वन यहाँ पर हम दीर्घ व्रत का इससे y की वैल्यू निकालनी है क्योंकि अपन को y इंटू डी एक्स रखना था तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई ये आ जाएगी y बराबर बी अपॉन ए अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ठीक है इतना आप ध्यान रख सकते हैं क्योंकि ये चीज़ बार बार आएगी और ऊपर भी आई थी जहाँ पर मैंने आपको समझा दिया था कि कितनी वैल्यू निकलेगी ठीक है b बीअपोन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ये y का मान यहाँ पर निकल आएगा जो कि यहाँ पर हम ले ले सकते हैं b एफ ऑन एंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ये वैल्यू ठीक है क्लियर बात है लिमिट जीरो से ए, ए तक की जाएगी ये क्लियर बात है तो यहाँ पर सीधा सीधा आप कह देंगे कि अभीष्ट क्षेत्रफल बात समझ रहे होंगे मेरी ठीक है ना हाँ देखो सुनते चलोगे समझते चलोगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी लेकिन जहाँ पर तुम्हारा मन भटका तो क्वेश्चन भटक जाएगा क्योंकि क्वेश्चन इसी तरीके से जाएंगे ध्यान रखने बात को क्वेश्चन में जहां तक हो सकेगा जितना हो सकेगा सिंपल बताने की कोशिश कर रहा हूं लेकिन आपको क्या चीजें चाहिए आपको दो चीजें चाहिए बस हमेशा गार्ड मान लो समाकलन के अनुप्रयोग में आपको सिर्फ और सिर्फ दो चीजों की जरूरत होगी एक तो लिमिट चाहिए दूसरा वाई का मान चाहिए बस आप सबसे पहले लिमिट पर अटैक करोगे कि लिमिट क्या निकलेगी फिर आप वाई देखोगे कि वाई किसके लिए निकलेगा समझ गए बात क्या क्या याद रहेगा आपको लिमिट चाहिए सबसे पहले माइंड में दिमाग में आना चाहिए लिमिट लिमिट क्या हो सकती है भैया फिर आपको ये सोचना है कि वाई क्या हो सकता है भैया समझ रहे हैं ना बात इस तरीके से सो अभी क्षेत्रफल क्या कहलाएगा अभी क्षेत्रफल हो जाएगा आपको डबल दो का गुणा करना है एंड क्षेत्र कौन सा क्षेत्र ले रहे हैं ओ ए बी सी ओ का क्षेत्रफल इसका क्षेत्रफल ले, ले लेंगे ठीक है इसका तो यहां पर हम दो ले रहे हैं ट्वाइस ऑफ इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक जीरो से ए तक वाई इंटू डी एक्स और वाई की वैल्यू ही रखनी है बी अपॉन ए करके जो है तो ट्वाइस ऑफ जीरो से ए बी अपॉन ए अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर एंड डी एक्स सो यहाँ से हम ले रहे हैं बी अपॉन ए ये हो गया टू बी अपॉन ए और इंटीग्रेशन जीरो से ए अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर एंड डी एक्स अब आपको अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फार्मूला पता है तो यहाँ से हम ले रहे हैं टू बी अपॉन ए और ये होता है एक्स अपॉन टू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन टू एंड साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए लिमिट जाएगी जीरो से ए e. कोई समस्या नहीं ठीक है ना फॉर्मूला अच्छे से याद रखिएगा बता दिया मैंने बिना फॉर्मूले के तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे फिर आप ये सोचिए कि इसका डेरीवेशन करते रहेंगे तो भाई घंटों लग जाएंगे इसका डेरीवेशन भी मैंने बताया है कैसे करते हैं इंटू वन करके खंड सा समाकलन करते हैं तो उतना टाइम नहीं रहेगा इसलिए फार्मूला आपको अच्छे तरीके से याद रखने की जरूरत है अब यहाँ पर अपर लिमिट रखेंगे देन लोअर लिमिट रखेंगे तो ये एक्स जगह ए ई अपॉन टू एंड अंडर रूड ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ई स्क्वायर ये बना प्लस ए स्क्वायर अपॉन टू ये हो जाएगा ए स्क्वायर अपॉन टू यहां पर ठीक है ए स्क्वायर अपॉन टू ले रहे हैं ठीक है और ए स्क्वायर अपॉन टू एंड साइन इनवर्स ये यहां पर ले लिया साइन इनवर्स एक्स की जगह आएगा ए ई अपॉन ए ठीक है ये हो गई अपर लिमिट की बात देन हमने माइनस देन लोअर लिमिट रखें अगर तो एक्स की जगह जीरो रखना है तो ये हो रहा है भाई जीरो अपॉन टू अंडर रूड ऑफ ए स्क्वायर माइनस जीरो स्क्वायर इतना प्लस ए स्क्वायर अपॉन टू एंड साइन इन जीरो अपॉन ए ठीक है अब देखो तो जीरो क्या क्या हो जाएगा देखो तो यहाँ जीरो का गुणा हो रहा था ये तो जीरो हो जाएगा प्लस और ये साइन इनवर्स जीरो है तो ये साइन इनवर्स जीरो की मदद से ये पूरा जीरो हो जाएगा बस ये दोनों हिस्से जीरो हो जाएंगे तो इनका कोई मतलब नहीं रह गया जीरो हिस्से को हटा देंगे टू बी अपॉन ए एंड ये हो रहा है ए ई अपॉन टू अंडर वूड ए स्क्वायर हमने कॉमन निकाला वन माइनस ई स्क्वायर हो गया ये और प्लस में यहाँ ए स्क्वायर अपॉन टू एंड साइन इनवर्स ए से ए कट गया तो बचेगा ई ठीक है साइन इनवर्स ये ई ले लेंगे और यहाँ पर ये यह हो रहा है टू बी अपॉन ए एंड ए स्क्वायर है तो ये ए स्क्वायर वर्गमूल से बाहर निकलेगा तो ये ए हो जाएगा तो यहाँ ले रहे हैं ए ई अपॉन टू इन टू ए अंडर रूड ऑफ वन माइनस ई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन टू एंड साइन इनवर्स ई ठीक है तो यहाँ पर सिंपली क्या हो रहा है ये ए और ए ए स्क्वायर हो गया तो यहाँ से ए स्क्वायर अपॉन टू कॉमन निकाल लेंगे कितना ए स्क्वायर अपॉन टू कॉमन निकालेंगे तो टू बी अपॉन ए यहाँ से ए स्क्वायर अपॉन टू कॉमन निकाल रही हैं और ये अंदर बच रहा है ई अंडर रूट ऑफ वन माइनस ई स्क्वायर प्लस साइन इनवर्स ई ठीक है तो यहाँ पर क्या क्या सिस्टम कट रहा है ये दो से दो कट रहा है एक ए से एक ए कट जाएगा तो फाइनल आंसर रिक्वायर्ड आंसर अभीष्ट क्षेत्रफल जो आएगा वो हो जाएगा ए बी एंड कोष्टक में ये ई अंडर रूट ऑफ वन माइनस ई स्क्वायर प्लस का साइन इनवर्स ई ये हो जाएगा भाई आंसर कुल मिलाकर ठीक है ना तो इस तरीके से आपने ये देख लिए उदाहरण नंबर पाँच तक हो गया ये आपका पांच उदाहरण दिए थे तो यहाँ पर मैंने पूरा कॉन्सेप्ट भी बता दिया है उदाहरण भी बता दिए मैंने आपको ये भी बार बार कहा है कि एक्स अक्ष के लिए जो हम एरिया देखेंगे एक्स अक्ष के लिए जो हम एरिया देखेंगे वो देखेंगे ए से बी वाई इंटू डी एक्स करके और अगर हम वाई अक्ष को कंसीडर कर रहे हैं वाई एक्स के अनुसार ले रहे हैं तो फिर हम वहाँ पर एरिया सी से डी फिर वो लिमिट जो होगी वो देखेंगे x इंटू डी वाई एक्स इंटू डी वाई लेना है ये आपको ध्यान रखना है x अक्ष और y अक्ष के लिए क्लियर बात है दूसरी बात ये है कि हमेशा इस बात को याद रखना कि इन सवालों को लगाने के लिए हमेशा दो चीज़ें ध्यान रखना एक तो लिमिट कहाँ से कहाँ तक है क्लियर बात है लिमिट सबसे पह, पहले पकड़नी है आपको लिमिट देन आपको पकड़ना है वाई दो चीज़ें ध्यान देंगी लिमिट वाई।, लिमिट वाई लिमिट वाई लिमिट और वाई इस हिसाब से सवालों को लगाते जाना है और बढ़िया तरीके से सवालों को प्रैक्टिस कर लेनी है इस बात को ध्यान रखना अच्छे से समझ लेना जहाँ पर भी कोई भी प्रॉब्लम आपको आ रही हो लिमिट में या फिर वाई में कि क्या करना है क्या नहीं तो उस हिसाब से आप समझते हुए चलिएगा समझ गए ना ठीक है तो वीडियो को लाइक कर लेना और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना ठीक है तो इस प्रकार से यह वीडियो यहीं समाप्त होता है उम्मीद है वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा यदि वीडियो आपको अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ वीडियो को लाइक शेयर कमेंट्स करना मत भूलेगा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बेल नोटिफिकेशन को ऑल सेलेक्ट जरूर कर लीजिए ताकि जो भी नया वीडियो आपको मिले उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए और आप अपनी वीडियो लेक्चर के साथ अपनी क्लास के साथ अपडेटेड बने रहें अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और अगर आप लाइव क्लासेस को ज्वाइन करना चाहते हैं लाइव क्लासेस को अटेंड करना चाहते हैं तो हमारी एप्लीकेशन को ज़रूर डाउनलोड करें जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर आप प्ले स्टोर में भी सर्च कर सकते हैं एक्सपी क्लासेस वहाँ से भी आप हमारी एप्लीकेशन को ज़रूर डाउनलोड करें लाइव क्लासेस के साथ साथ वहाँ पर आपको फ्री पीडीएफ डी एफ नोट सोल्यूशन और एक डेडिकेटेड व्हाट्सएप ग्रुप भी प्रोवाइड किया जाता है ताकि जो भी कुछ आपका डाउट हो आप अपने डाउट को उस व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू पूछ सकते हैं और अपनी क्वीरी को सॉल्व कर सकते हैं यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को जरूर फॉलो करें फेसबुक टेलीग्राम इंस्टाग्राम और ट्विटर के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में, में ही मिल जाएंगे सभी के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं तो उनको आप फॉलो जरूर कर सकते हैं वहाँ पर हमें मिलेंगे अगली वीडियो लेक्चर के साथ तब तक के लिए जय हिंद जय भारत